हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CLCC का। ठीक है, तो आज अपन बेटा बात करेंगे जो ऑनलाइन ETSC अपनी स्टार्ट हुई है उसमें JEE एडवांस का पेपर फर्स्ट। टोटल इसमें 6 पेपर हैं, बीच में कुछ पेपर JEE मेंस के होंगे, वो आपके फुल सिलेबस के, वो अलग बात है। ठीक है, तो अभी अपन बात करेंगे मैथ पेपर फर्स्ट का, JEE एडवांस का। इसमें फंक्शन, ITF, टिक्नोमेट्रिक और क्वालिटी की क्वेश्चन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसमें टोटल 3 सेक्शन है अभी अपने पेपर में। सेक्शन ए है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन जो आपका बी है उसमें 10 क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन है। तो चलो बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन तो सिंगल चॉइस के हैं और 4 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के हैं। ठीक है ना, सॉरी, और क्वेश्चन का 2 पैसेज है 2x2 के। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट बोला गया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट हैव ए रूट कॉमन, देन द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रूट इज, मतलब इन दोनों इक्वेशनों का 1 रूट कॉमन है, तो बताओ जो रिमेनिंग जो 2 रूट है, सेकंड रूट इसका और सेकंड रूट इसका, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, अनकॉमन रूट का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो थोड़ा इसको विजुलाइजेशन की अगर बात करोगे आप, देखो इसमें बेटा x को -1 पुट करने पे देखो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और उसको मैं भी x को -1 पुट करने पे क्या करता है, सेटिस्फाई। इसका मीनिंग इन दोनों इक्वेशनों का जो कॉमन रूट है वो क्या गया, अल्फा इक्वल टू -1। तो इनका कॉमन रूट लेट अल्फा है और वो -1 वैल्यू भी पता चल चुकी है, तो क्या करो, इसका सेकंड रूट बीटा लेट करो, इसका सेकंड रूट गामा लेट करो। तो देखो प्रोडक्ट रूट क्या होगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो इसके अकॉर्डिंग तो अल्फा बीटा आ गया 1/2006। सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन के रूट गामा इन अल्फा है तो देन प्रोडक्ट रूट अल्फा गामा इज 2006। अपन को क्या बताना है, बीटा गामा अनकॉमन रूट का प्रोडक्ट। एक काम करो, इनको कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज 1, अल्फा -1 है तो अल्फा स्क्वायर इज 1, तो देन बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो अनकॉमन रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। इस क्वेश्चन की एक खास बात हो रहा है वो आपको बता देता हूं मैं आपको। देखो ढंग से, इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x को 1/x से रिप्लेस करते हो तो देखो इक्वेशन आपकी सेकेंड इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। इसका मीनिंग अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, बात को सुनना केयरफुली, इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके रूट क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल होंगे, ये पता होगा आपको सबको, और इसके रूट रेसिप्रोकल है, चलो लिख दिया आपने। उसके बाद एक रूट कॉमन है तो अल्फा 1/अल्फा के इक्वल होगा, हाँ है ना, तो अल्फा 1/अल्फा के इक्वल है जो भी है, ये बीटा है 1/बीटा अनकॉमन रूट, उनका प्रोडक्ट क्या गया, हो गया ना बना आंसर, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अरे ये अल्फा ये 1/अल्फा इक्वल है क्योंकि एक रूट कॉमन है, तो किसी को भी कॉमन कर दो अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा, देन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा आ गया +-1। ये लिखने के बाद आप पुट करके देख लो चाहो तो, और ये आ गया तो जो अनकॉमन रूट है वो क्या होगा, बीटा और 1/बीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 आंसर होगा। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आईआईटी जे में आया, क्वेश्चन बहुत पुराना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्मॉलेस्ट भी है पॉजिटिव भी है, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, असेंडिंग ऑर्डर में है, और क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड में वो असेंडिंग ऑर्डर में, विच हैव देयर साइंस इक्वल टू द पॉजिटिव क्वांटिटी की, मतलब इन चारों एंगल का जब आप साइन लोगे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन डेल्टा, वो के इक्विवेलेंट है पॉजिटिव क्वांटिटी की। लिख देते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन गामा इक्वल टू साइन डेल्टा इक्वल टू के, ये मेंशन है के पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब के पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर राइज इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, के पॉजिटिव होने का मीनिंग अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। चलो तो देन आपको दिस पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ के, तो देखते हैं कैसे करना है। बोलो इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे कैसे स्टार्ट करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे बोलेंगे, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा, ये लेट करने के बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा का ये ऑर्डर है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा लीस्ट पॉजिटिव एंगल है,
तो अल्फा सबसे लीस्ट पॉजिटिव एंगल मानना है तो चलो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं। बीटा अल्फा से बड़ा है तो देखो बच्चे, देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि सर आपने बोला सर अल्फा इधर मान लो, बीटा थोड़ा ऊपर मान लो, बड़ा हो गया ना और लीस्ट भी हो गया। बट अगर बीटा को अगेन इधर मानोगे तो क्या साइन अल्फा साइन बीटा के कभी इक्वल आ सकता है क्या? नो, साइन अल्फा साइन बीटा की इक्वल कब आ सकता है? जब पाई के मल्टीपल पे होंगे, पाई के मल्टीपल पे ही साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल आ सकते हैं। तो बीटा आपका फिर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब अगर फर्स्ट एंगल अल्फा है तो बीटा को अगर आप पाई माइनस अल्फा लेते हो तो साइन पाई माइनस अल्फा ही साइन अल्फा, तो बीटा क्या जाएगा? पाई माइनस अल्फा। अरे थोड़ा समझो ना, आप ऐसे मान लो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे? एन पाई प्लस, आप इससे भी कर सकते हो, तो एन को जीरो लोगे तो अल्फा बीटा गलत इक्वल लेना नहीं है क्योंकि इनकी जो मॉडल में तो एन को वन लेने पर आ गया ना अल्फा इक्वल टू पाई माइनस बीटा, हाँ है ना। ऐसे ही एन को टू लोगे तो अगला क्या होगा? 2 पाई माइनस बीटा, तो आ गया ना अल्फा इक्वल टू 2 पाई माइनस गामा, तो गामा जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, हाँ है ना। तो ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया, फिर गामा को क्या लोगे? अगेन आप इधर लेना है और डेल्टा को अगेन इधर लेना है। सिंपल सी बात है कि दो साइन का एंगल सेम है तो सीधा रिलेशन लिख दो, ये एन को वन लिया तो ये लाइन कर दो, एन को टू लेने पर तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा के बाद कौन ले लो? गामा, तो गामा आ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, समझे? तो अपन को लीस्ट ऑर्डर में लेना है, तो ये अल्फा है तो अगला क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। आप ऐसे भी समझ सकते हो डायग्राम को और अच्छे से, ये लो ये ऐसे बना लो, ये इधर लाई करेंगे, अल्फा इधर होगा तो बीटा इधर लोगे तो उसी केस में साइन की वैल्यू दोनों की इक्वल हो सकती है, तो ये अल्फा है तो क्या आ गया? पाई माइनस अल्फा, तो बीटा आ गया पाई माइनस अल्फा, ये आ जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा और ये जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा। देखो ना, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई प्लस अल्फा इज साइन अल्फा, साइन 3 पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, मतलब ये एंगल आपका गामा होगा, ये डेल्टा होगा और बीटा कितना आ गया? पाई माइनस अल्फा। ये सारे एंगल को आप उसमें पुट करोगे तो देन आप उससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो क्या क्वेश्चन है अपना, हटाते हैं सबको, याद रखना अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या। तो देखो अल्फा को तो अल्फा ही रखना है, बीटा कितना आ गया? पाई माइनस अल्फा, गामा होगा 2 पाई प्लस अल्फा और डेल्टा होगा 3 पाई माइनस अल्फा, ठीक है? वो उसी फॉर्मूले से करो, अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस n को 1 लेने पे पाई माइनस अल्फा, तो बीटा जाएगा पाई माइनस अल्फा, n को 2 लोगे तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस गामा, तो गामा क्या जाएगा? n को 2 लेने पे 2 पाई प्लस बीटा, तो अगला एंगल आ जाएगा 2 पाई प्लस बीटा, ठीक है? एक बार बीटा एक बार गामा लेना है, हाँ है ना, ऐसे ही अगला ले सकते हैं और डायग्राम से देखोगे तो उससे भी कर सकते हैं और इन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दो तो देखो क्या आ गया, 4 साइन अल्फा बाई टू प्लस 3 साइन, देखना ढंग से, बीटा की वैल्यू है पाई बाई पाई माइनस अल्फा, तो साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा, साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, यस सर, प्लस गामा बाई टू करोगे तो सीधा लिख देते हैं इसको सॉल्व करके हटाओ, ये आ गया सीधा, टाइम वेस्ट होगा, 4 साइन अल्फा बाई टू और ये क्या आ गया? प्लस 3, बीटा की जगह ये पुट करोगे तो साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, तो क्या बन गया? 3 कोस अल्फा बाई टू प्लस गामा की जगह लोगे दिस पार्ट, तो क्या जाएगा? साइन पाई प्लस अल्फा बाई टू और साइन प्लस साइन पाई प्लस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू, तो ये माइनस जाएगा प्लस, तो माइनस साइन अल्फा बाई टू और 3 पाई पुट करोगे तो साइन 3 पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, तो अगेन थर्ड में तो साइन नेगेटिव, तो माइनस सॉरी कॉस बन जाएगा ना पाई बाई टू के मल्टीपल पे कॉस, तो कॉस ये तो साइन ही रहेगा, सॉरी ये तो क्या था? साइन पाई प्लस अल्फा बाई टू, तो साइन अल्फा बाई टू माइनस के और ये कॉस अल्फा बाई टू आ गया, तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या जाएगा? देखो 4 साइन अल्फा बाई टू माइनस 2 कॉस अल्फा बाई टू 2 साइन अल्फा बाई टू और 3 कॉस बीटा बाई टू माइनस कॉस बीटा बाई टू, तो प्लस के 2 कॉस अल्फा बाई टू, तो 2 कॉमन ले लो,
अब आंसर को के की टर्म में लाना है, तो आप ढंग से देखो, पता है क्या चीज है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा का फॉर्मूला। देखो ना, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, तो बन गया ना साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसको के पुट करने पे क्या आ जाएगा, 2 रूट 1 प्लस के। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन फिल करना, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन थर्ड, एक फंक्शन आपका रियल नंबर से 0 से पाई बाई 2 में डिफाइन है और fx दिस पार्ट है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच fx इज ऑन टू। तो सिंपल सी बात है, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब उसकी रेंज मतलब fx की जो रेंज है वो क्या होगी, उसकी कोडोमेन के इक्वल। तो fx लाइज बिटवीन 0 से पाई बाई 2, fx को पुट कर दो तो क्या लिखोगे, 0 से cot इनवर्स अंदर वाला पार्ट लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपको ये पता होगा cot इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप इधर और उधर शिफ्ट करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है, तो cot इनवर्स 0 तो बन जाएगा इनफिनिटी, इधर ये ब्रैकेट में जो भी लिख देना, और ये इधर आके बन जाएगा cot इनवर्स पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 0, मतलब दिस पार्ट की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर। अब इसको सीरियस ले सकते हैं ना, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो मीनिंग हुआ ना, दिस पार्ट की वैल्यू 0 से इनफिनिटी, और ये क्या पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो ये अपवर्ड क्वार्टिक है, बात को केयरफुली सुनना, इसी के बाद मजेदार पार्ट है, ये एक अपवर्ड क्वार्टिक है, तो अपवर्ड क्वार्टिक की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर कब होगी, जब ये वाला डायग्राम होगा। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ये ठीक है, तो इसमें कंडीशन लगा दो d less than equal to 0, d less than equal to 0 का मीनिंग कि इक्वल टू पे तो 0 आ गया, और less than पे वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, सही बात है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप d, इसमें दो चीजें हैं, d less than 0 हो सकता है और d equal to 0, d less than 0 में क्या होगा कि d less than 0 करने से जो लैम्डा की वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज को जब आप अपने क्वेश्चन में पुट करोगे ना, तो वो x की ऑल वैल्यूज के लिए उसकी जो रेंज है वो 0 से पाई बाई 2 नहीं होगी, रेंज में सारा कुछ आना चाहिए ना, x की ऑल वैल्यूज पुट करोगे तो उसके कोरस्पोंडिंग रेंज क्या आनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल। तो आपने जब ये पूरा पार्ट लिखा तो उसमें होगा क्या, इक्वल टू के केस में उसके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे और अंदर वाले पार्ट में होगा डी लेस देन 0 रहा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं कि बाय चांस सॉल्व करने पे लैम्डा आ जाता लेट अल्फा से बीटा, तो इक्वल टू का मीनिंग तो क्या है कि आपने डी इक्वल टू 0 लिया है, तो डी इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या, डायग्राम टच करेगा, तो भाई डी 0 का मीनिंग क्या है कि वो टच करने का मतलब ये वैल्यू मिलेगी आपको, मतलब इस वैल्यू आने का मतलब 0 कब होगा, जब ये पाई बाई 2 होगा, तो आपका आउटपुट पाई बाई 2 आ जाएगा, और 0 के अलावा कुछ भी लो x की वैल्यू तो वो पॉजिटिव देगा, भाई लैम्डा तो फिक्स हो गया अल्फा और बीटा, तो लैम्डा को जब अल्फा और बीटा फिक्स करोगे ना, तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, मतलब x की ऑल वैल्यूज को पुट करोगे तो आउटपुट पाई बाई 2 भी होगा और बाद में पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन भी होगा, बट अल्फा से बीटा के बिटवीन जब आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर लैम्डा की, तो देन x की वैल्यू पुट करोगे ऑल वैल्यूज को, तो क्या होगा उस केस में, जो इसका आउटपुट है वो ओनली 0 से पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट होगा। पाई बाई 2 केवल कब आ सकता है, पाई बाई 2 का मतलब आपने इक्वल टू लिया है, इक्वल टू का मतलब इधर भी इक्वल टू का मतलब डी 0 लोगे, तो डी 0 लेने के केस में ही वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 आ सकती है, डी 0 होने पे पाई बाई 2 भी होगा और बाकी तो पॉजिटिव होना ही होना है, और डी लेस देन 0 पे उसकी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 की बिटवीन होगी लेकिन पाई बाई 2 नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन को ऑन टू बोला गया है। तो देन इस केस में आपको ओनली, तो जब भी ध्यान रखें कोई क्वार्टिक वाला पार्ट बनता है और उसका डायग्राम इक्वल टू लग रहा है तो आप ये डायग्राम होगा नीचे वाला भी हो सकता है अगर माइनस कोफिशिएंट है, तो इसमें ये कंडीशन होगी ओनली डी इक्वल टू 0। कहीं क्वेश्चन में दे रखा हो कि बताओ ये डायग्राम है बताओ उसकी कंडीशन क्या है, तो डी ग्रेटर देन 0 लिखना है, ये डायग्राम है तो आपको लिखना है डी लेस देन 0। समझे मेरी बात, जो क्वार्टिक के अंदर पढ़ते हैं वो अलग चीज है, क्वार्टिक में तो क्या कुछ चीज में दोनों चीज होती है, टच वाला भी होगा और ऊपर वाला, तो पर हम डी लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसमें क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इसमें ऑन टू वर्ड बोला गया क्वेश्चन में इसलिए, ठीक है चले। तो जब आप ये सोल्व करोगे तो अब देखो ये x में क्वार्टिक है तो इसके फैक्टर करने हैं, अब हाँ सॉरी अभी तो इसका क्या करना है d इक्वल टू 0, तो जब आप इसका d 0 करोगे तो सीधा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4
चार से चार कैंसिल, तो जब आप सोल्व करोगे तो लैम्डा की दो वैल्यू होंगी और वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सोल्व करने लगा जाके। ठीक है चलो सिंपल है इसके बाद। तो मेन स्टेप यही थी कि इसमें डी आपको जीरो करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए ऑब्टेंड फ्रॉम दी डोमेन ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब इस एफ ऑफ ए फंक्शन की जो डोमेन से ए की वैल्यू फाइंड आउट होंगी, फॉर विच दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट लाइज बिटवीन -2 से 1। क्या मीनिंग इस क्वेश्चन का देखो, आपको ए की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इसकी डोमेन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और सेकेंड क्वाड्रेटिक रूट -2 से 1 के बीच होने चाहिए। तो सीधे ऐसे मान लो कि इसकी डोमेन की कंडीशन लगाओ और इस सेकेंड क्वाड्रेटिक के रूट्स -2 से 1 के बिटवीन की कंडीशन अप्लाई करो और दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही आंसर होगा। सीधा सीधा मीनिंग ये समझ सकते हैं। तो देखो डोमेन की कंडीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2a² - a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a आप कॉमन लोगे तो क्या आ गया, 2a - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ये 0 पे 0 है, ये 1/2 पे 0 है, प्लस माइनस प्लस, तो देन इसके अकॉर्डिंग तो आ गया 0 से लेस और 1/2 से ग्रेटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना नहीं, सुन लो बस। ये करने के बाद अब अपन क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक की रूट्स की बात करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है इसको लेट fx लेट करवाओ कि लेट ही fx, क्या बोला गया है, इसका डायमीटर होगा बर्ड पैराबोला ये लो, और इसके बोथ रूट्स आर लाइक बिटवीन -2 से 1। तो क्या होगा, ये हो सकता है डायग्राम, ये इसको टच कर सकता है, तो कुछ नहीं करना, ये आपका fx का डायग्राम है, तो f ऑफ -2 आपका पॉजिटिव होगा। अभी कंडीशन आपको आनी चाहिए लोकेशन रूट की, f ऑफ -2 पॉजिटिव, सिमिलरली f ऑफ 1 भी पॉजिटिव होगा, और वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो लाइज बिटवीन -2 से 1। काफी सारी कंडीशन है वो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एक काम करें, कहां लिखें, इधर लिख देते हैं, माइनस के बी अपॉन 2a इज लाइज बिटवीन -2 से 1, और लास्ट कंडीशन होगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या करो, इन चारों कंडीशन से एक ही वैल्यू फाइंड करो, उस वैल्यू का कॉमन 1 के साथ कॉमन लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें f ऑफ -2 जब ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या करना है, x को -2 लेने पे 4 आ गए, -2 तो -2 है और a -a, -2 और -1 -3 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, -a + 1 ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। अगला f ऑफ 1 को ग्रेटर देन 0 करना है, तो देखो x को 1 पुट करो तो क्या आ गया, 1 2, एक 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, लिख लेते कंफ्यूज मत हो, 1 + a + 1 + a - 1 ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो 1 से 1 कैंसिल तो क्या आ गया, 1 कैंसिल, तो a और a 2a + 1 एक ग्रेटर देन 0 देन a ग्रेटर देन -k/(1/2), ऐसे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, क्या करना फ्रेंड्स, अब मैं इसको क्या हटाना, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखोगे, -b लाइन बिटवीन, हां इक्वल टू मत लगाना सॉरी, क्योंकि बीच में होगा वर्टेक्स इसका, तो b की वैल्यू कितनी है इसमें, a + 1, तो क्या आ जाएगा, -a + 1/2 < 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा, -4 - a - 1 - 2, -1 को दोनों तरफ शिफ्ट करना, तो -3 से 3 आ गया, -a जब आपका -3 से 3 है तो a भी आपका -3 से 3 होगा, तो थर्ड नेक्स्ट आ जाएगा -3 से। इक्वेशन नंबर 4, और लास्ट में करना है इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d का मीनिंग b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है चलो उसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो बस ये डायग्राम हटा दो, क्या जरूरत है, बस कंडीशन याद करनी तो हटा देता हूं सबको। चलो तो कर दे सॉल्व, तो देखो क्या आ गया, a² + 2a - 4a तो -2a, और ये क्या होगा, +k 5 ग्रेटर देन 0, और देखो ढंग से इसका d नेगेटिव है तो दिस इज ऑलवेज, तो e तो ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो कुछ नहीं करना, इन चारों का कॉमन लेना, तो देखो ये कह रहा 1 से छोटा -1 से बड़ा और a -3 से 3, तो ढंग से देखो इन तीनों का जब कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, बताए आपको,
माइनस हाफ से वन, ये लेट इक्वेशन फाइव। और बाद में फर्स्ट का जो फाइव के साथ क्या लोगे इंटरसेक्शन, तो क्या कहता है जीरो से लेस माइनस हाफ से कहता है, तो इसका कॉमन तो हो जाएगा माइनस हाफ से जीरो। यूनियन ये कह रहा वन से लेस, ये वन बाई टू से कहता है, तो क्या जाएगा वन बाई टू से वन, वन पे ओपन है, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो देन इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन है क्या सर, माइनस हाफ से जीरो यूनियन हाफ से वन, यस सर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस गुणा भाग करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ दिस पार्ट एफ एक्स इज दिस पार्ट दिस एफ इनवर्स इज इक्वल टू, तो बताओ इसका एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो देखो एक सिंपल सी बात यह कि जब भी किसी फंक्शन का क्या करोगे आप एफ इनवर्स फाइंड आउट करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि फंक्शन एफ एक्स अगर 1 1 1 2 है तो देन वी कैन फाइंड देयर इनवर्स फंक्शन। तो चलो अपन इसको 1 1 1 2 चेक करते दिस डोमेन के लिए। तो देखो इस फंक्शन का जो एफ एक्स है वो क्या होगा 2 ln x / x प्लस ये जाएगा 3 / x। तो जब आप इसको लिखोगे तो देखो x तो कॉमन आ गया ना, तो क्या जाएगा ln x square plus 3 या 2 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन बनाओगे तो देखो x आपका 0 से ग्रेटर है और ये e की पावर -3/2 है, तो देखो जब इसको 0 करोगे तो इससे e की पावर आ रहा -3/2, तो प्लस माइनस, तो 0 आपका इधर होगा ना, तो 0 से लेके e की पावर -3/2 में फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग, क्योंकि f x नेगेटिव आ रहा है, और फंक्शन अगर कंप्लीटली डिक्रीजिंग है ऐसे, इसका मतलब 1 1 हो गया। और ऑन टू के लिए क्या करना है, अगर फंक्शन कंप्लीटली डिक्रीजिंग है तो डोमेन की मिनिमम पे वैल्यू मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम पे मिनिमम, तो 0 पुट करोगे तो इनफाइनाइट की तरफ चले जाएगा क्योंकि लॉग इनफिनिटी की वैल्यू इनफिनिटी होती है, और e को जो -3/2 पुट करोगे ना तो ये -k/4 आ जाएगा, करके देख लेना आप। ठीक है, मतलब ये फंक्शन 1 1 आप और 1 2 है, और फंक्शन अगर 1 1 1 2 हो तो इनवर्स कैसे निकालते हैं कि उसको वायलेट करो और x की वैल्यू को फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करें इसको लो, तो y इक्वल टू ln स्क्वायर x प्लस 3 ln x + 2, 2 को उधर लेके चले जाओ y को, तो क्या आ गया ln स्क्वायर x प्लस 3 ln x + 2 माइनस y इक्वल टू 0। तो फटाफट जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो ln x क्या आ जाएगा -3 ± √ बी स्क्वायर, तो 9 - 4 तो 8 + 4y / 2, तो अंदर आ गया 1 + 4y। 1 + 4y आने के बाद ln को उधर लेके जाओगे तो e की पावर में जाए, तो e की पावर में आने के बाद देखो क्या लिखोगे इसको, तो आ गया x इक्वल टू e की पावर -3 ± √ 1 + 4y / 2। अब आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं, देखो आपको अब ये तो इसकी बनेगी डोमेन और ये बनेगी रेंज, तो डोमेन तो क्या होगी इसकी -1/f inverse की जो डोमेन है वो क्या होगी ये, और इसकी रेंज क्या होगी 0 से e की पावर -3/2। तो बस आपको ये देखना है कि टेकिंग प्लस इसको तो पुट कर देना एफ इनवर्स एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना एक्स से, तो ये आ गया एफ इनवर्स एक्स। तो देखो जब आप टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस की बात करोगे तो देखो टेकिंग माइनस पे तो क्या होगा ये वैल्यू सारी नेगेटिव होगी, तो e की पावर नेगेटिव तो वैल्यू 1 से लेस होगी, कोई बात नहीं क्योंकि ये भी अपना 1 से लेस है। अरे सिंपल कुछ नहीं है, अपन को पता है कि एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f इनवर्स कैसा होगा, ये भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कैसे आपको आना चाहिए, जैसे लेट ये fx का डायग्राम है, f इनवर्स x का डायग्राम y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में क्या होगा सिमेट्रिक, तो इसका डायग्राम भी ऐसे बनेगा, तो ये आपका इंक्रीजिंग है तो ये भी क्या होगा इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग, मतलब इसमें भी क्या होगा मिनिमम पे मैक्सिमम और मैक्सिमम पे मिनिमम। तो सिंपल सी बात है इन्फिनिटी लोगे तो 0 आना चाहिए, तो भाई इन्फिनिटी पे 0 कब आ सकता है, जब आप इसको पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे, क्योंकि x को इन्फिनिटी लेने पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 3 इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, सॉरी
ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा। अरे भाई इन्फिनिटी भी जीरो आना चाहिए, तो इन्फिनिटी भी जीरो कब आ सकता है, अगर आपने टेकिंग प्लस लिया तो इन्फिनिटी माइनस थ्री इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। बट माइनस लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, तो बेटा इसका माइनस वाला आंसर आएगा, तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बोलो अब किसी को डाउट है क्या, ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन फिल करना है, अगर रिवर्स होता तो अलग कर देते और क्या, ठीक है। तो बस इसमें यही है कि जब भी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन एक यूनिक फंक्शन होगा, मतलब एक ही आंसर होगा, तो देख लो कि प्लस वाला है माइनस वाला लेना है, और उसको चेक करने का एक ही ऑप्शन है, रेंज और कोडोमेन को यूज करो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, एक फंक्शन है f(r)(r) में डिफाइन है, fx इस पार्ट है, तो बताओ ये 1 1 2 में से कौन सा पेयर होगा, देखो करो उसको भी, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो उसको ऐसे करें अपन, ln तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो आप अंदर वाले फंक्शन की बात करो, तो इसको अपन एक नया फंक्शन मान लेते हैं hx, सीधे एक काम करो उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग हुआ तो 1 1 ऑन 2 होगा, सॉरी कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा 1 1, और ऑन 2 देखते कैसे चेक करना है, तो इसका hx क्या आएगा, देखो थोड़ा लेंथ ही, तो उसको उधर से लिखते हैं, पहले रूट का कर दो, तो 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 का रूट प्लस x, और रूट के बाद अंदर वाले पार्ट का करोगे तो इस रूट का करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बट हो जाएगा, और x स्क्वायर का 2x और प्लस 1, माइनस में कुछ नहीं, वो सेपरेट सेम ही होगा, बस बीच में इधर माइनस जाएगा, बस कुछ नहीं है। देखो ये 2 से 2, इसको न्यूमेरेटर में लेके आओगे तो देखो ये आ गया x प्लस रूट ऑफ दिस पार्ट, तो देखो ये सेम है, तो ऊपर फल है नीचे हाफ है, तो ऊपर हाफ आ गया ना, तो क्या आ जाएगा ये रूट ऑफ, अरे इसका डिफरेंशिएट करना आपको तो अपने पड़े, ये जाएगा। सिमिलरली जब आप इसका न्यू बाद वाले का करोगे तो उसमें कुछ नहीं, माइनस कॉमन आके वो भी सेम होगा, रूट ऑफ ये तो सेम ही आपका, तो ये वाला पार्ट तो कॉमन आ गया, तो उसका एच डी एक्स आ गया 1/2 रूट ऑफ दिस पार्ट प्लस एक्स, माइनस रूट ऑफ रूट ऑफ, बस ये आप करना एक बार डिफरेंशिएशन, उसके बाद कुछ नहीं, सब कुछ दिख जाएगा ब्लैक बोर्ड पे। डिफरेंशिएशन होने के बाद देखो नंबर लाइन बनाते हैं एच डी एक्स, ये एच डी एक्स बनाया मैंने, मैंने इसको क्या कंसिडर किया एच डी एक्स, एच एक्स लेट दिया तो इसका एच डी एक्स लिख दिया अपने, देखो उसको जीरो पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा, आपको देखना है एच डी एक्स जीरो का हुआ, तो एक्स को जीरो पुट करने पे 1 - 1 जीरो आ गया, तो प्लस से माइनस, इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू जब जीरो से ग्रेटर लोगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जीरो से लेस पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब एच डी एक्स जीरो आ गया इसका मतलब कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू में कुछ नहीं करना, जीरो पे वैल्यू निकाल दो और माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी पे वैल्यू देख लो, क्योंकि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो डोमेन के अंदर ये सारा कुछ एक रेशनल फंक्शन है, तो ये क्या कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, मतलब अगर आप बात करोगे ना उसका डायग्राम देखो कैसे होगा, जब आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो 1 और 1 2, तो ln रूट 2 आ गया, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 ln 2, बेस ई है और ये आपका 2 है, मतलब बेस और नंबर बहुत हार ग्रेटर देन 1, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये कहीं इधर होगा जीरो के रेस्पेक्ट में, उसके बाद पता है फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो 100% वैल्यू इंक्रीज करेगी, और इधर दोबारा इधर जाएगा क्योंकि फंक्शन आपका, हाँ आप एक चीज और बता सकता हूं मैं इसमें, ये करना तो पड़ेगा ही मेरे को क्योंकि इसको 1 1 ऑन 2 लेके आना है, इस फंक्शन को अगर आप बात करो ना एक्स को, तो उसमें एक्स को जब आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे ये फंक्शन है इवन फंक्शन, मतलब इसमें आ रहा है आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, और अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन हो इसका मतलब उसका डायग्राम वाई एक्स का वर्क क्या होगा सिमेट्रिक, तो वो फंक्शन 100% क्या होगा मेन इवन फंक्शन, क्या होगा मेन इवन, डोमेन आर दे रखी हो तो डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाए कि ओनली जीरो से, अगर इसमें क्वेश्चन में डोमेन ये कर दें जीरो से इनफिनिटी, फिर तो 1 1 होगा, सिंपल सी बात और क्या, ठीक है चलो, तो 1 1 ऑन 2 तो अपन इवन ऑड्स इवन से चेक कर सकते हैं, इवन है तो मेन इवन होगा और ऑड फंक्शन है तो
तो वो वन वन भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है। चलो उसके बाद देखो, जब आप इसमें x को इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो देखो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये तो आपको इन्फिनिटी आ गया, और इसमें इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में, तो काम करना ये जो अंदर वाला पार्ट है ना इसका कर देना रेशनलाइजेशन, और जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे ना तो ये आपका जीरो की तरफ टेंड करने वाला, मतलब ln इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और ln और सॉरी f ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी इसका क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन इवन है आपका, मतलब ये फंक्शन का जो आउटपुट है वो इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन नाइदर इवन होगा नॉर सॉरी नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो देन आपको इसका फोर्थ ऑप्शन फिल करना, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो नोट करो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 और 8 आपका एक पैसेज है, फिर अगले भी एक पैसेज की क्वेश्चन है 2, 9 and 10। पैसेज क्या है उसको पढ़ते हैं अपन। एक पॉलीनोमियल गिवन है आपको px, इट्स सेड टू बी रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल इफ a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ n माइनस i, ये i इसके साथ है। इसका मीनिंग क्या है, रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल किसको बोला गया इसने, कि a ऑफ ai इक्वल टू a ऑफ n माइनस i, मतलब जैसे लेट मैंने इसमें i को 0 पुट किया तो a 0 आपका an होना चाहिए, a 1 आपका an माइनस 1 होना चाहिए, तो देन इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, इसने बोला क्वेश्चन में। इसका मीनिंग पता है क्या है, ये कोएफिशिएंट इसके इक्वल, सेकंड सेकंड लास्ट के इक्वल, थर्ड थर्ड लास्ट के इक्वल, तो उसमें क्या होगा कि x को अगर आप 1 / x रिप्लेस करोगे ना तो जो px है वो डज नॉट चेंज, वो पॉलीनोमियल आपका सेम रहेगा, तो उसी को क्या बोलना, पॉली इनवर्स पॉलीनोमियल, मतलब रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल बोला गया, पढ़ो इसको ढंग से आप। तो अब अपन बात करते हैं अपने 1/1 ऑप्शंस की, आगे समझ में, ये है आपका रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल का मीनिंग है, px इज ए रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, डिग्रीज की क्या ऑड है, तो बताओ वन ऑफ द रूट ऑफ px इक्वल टू 0 है, अगर ये वो पॉलीनोमियल अगर ऑड डिग्री का है, मतलब क्यूबिक हो पावर 5 हो, तो बताएं कि इसका 100% एक रूट क्या हो सकता है, तो देखो पॉलीनोमियल अगर ऑड डिग्री का है, तो जैसे ऑड डिग्री का कोई भी अपन एक पॉलीनोमियल लिख के देख लेते, दिक्कत क्या रही है, मैं क्यूबिक लेट कर एग्जांपल से समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा आपको, जैसे लेट एक क्यूबिक पॉलीनोमियल लेट कर दो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देखो ये जो पॉलीनोमियल गिवन है इसमें इसने बोला गया a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को नॉन जीरो मानना है, क्योंकि इसको जरूरत है इस क्वेश्चन की, क्योंकि an को 0 मान लिया तो फिर ये ऑड डिग्री का पॉलीनोमियल नहीं रहेगा, मतलब इसमें से अब इसने बोला गया कि an को 0 नहीं मानना, इसको लिखना तो ये भी चाहिए कि an इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, उसी केस में उसकी डिग्री क्या होगी, n होगी, ठीक है। चलो तो आपने क्या किया, एक ऑड डिग्री का पॉलीनोमियल कंसीडर किया क्यूबिक, एग्जांपल से देखो फिर देख लेना दोबारा, अब इसमें क्या बोला गया कि फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है और बेटा बी आपका सी के इक्वल है, बोला गया ना ए, अगर ये रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल है तो करस्पोंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग से करस्पोंडिंग कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम, मतलब x की पावर 3 का कांस्टेंट के इक्वल, x स्क्वायर का x के इक्वल, मतलब इनकी डिग्री सेम है, x 3 की डिग्री 3 और 0 1 3 2 और 1 इज 3, तो सारी टर्म लिखना भी जरूरी है इसमें, तो देखो इसमें अगर आप x को -1 पुट करते हो तो क्या होगा, a सॉरी माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, तो देखो a और d इक्वल है तो कैंसिल, b और c इक्वल कैंसिल, मतलब 100% -1 इसका क्या होगा, रूट होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर ऑड डिग्री का पॉलीनोमियल होगा तो उसमें टोटल टर्म होंगी एक ज्यादा n प्लस 1, ऑड डिग्री है जैसे 3 डिग्री की टर्म है तो 4 टर्म है, 4 डिग्री का है तो 5 टर्म, सॉरी ऑड डिग्री की बात करो तो n अगर 3 है तो 4 टर्म होंगी, तो फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट सेम, और आपको पता है जब सारी टर्म होंगी ना x क्यूब x पर x, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो सारी टर्म ऑलवेज क्या होंगी, x को माइनस करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी, तो देन 100% x इक्वल टू -1 का क्या होगा, एक रूट होगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला गया, ये भी सेम इसी पैसेज का सेकंड पार्ट है, एक px इज ए रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल a नॉट इक्वल टू 0, a इज ए रूट ऑफ px, मतलब a को पुट करने पे p ऑफ a इसका 0 है, तो बताओ अदर रूट कौन सा हो सकता है, अगर px आपका रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल है,
तो एक बात बताओ रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल में क्या होगा? देखो सुनो, p ऑफ a जीरो पुट करने का मीनिंग क्या होगा, x की जगह a रखोगे तो वो जीरो आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, इसमें x को जब आप 1/a लोगे तो 1/a लेने पे क्या होगा, देखो आप ये कर लो, x को 1/x पुट कर दो, ये लो x को 1/x पुट करने पे क्या आएगा, ये 1/x की पावर n, 1/x की पावर n - 1, और जब x की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन और डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट, हाँ है ना, और अपॉन में जाएगा एक्स की पावर एन। ये समझ में आया नहीं है? ये आने के बाद देखो पी ऑफ ए जीरो है, तो इसमें अगर आपने एक्स को ए पुट कर दिया तो देखो, और इसमें भी आप एक्स को ए पुट कर दो तो क्या जाएगा, अभी समझाने पड़ेगा मेरे को, a1 a into और लास्ट में an equal to 0। तो देखो ये an है, ये a नॉट है, तो इसको उल्टा कर सकते हैं ना, क्योंकि ai equal to an minus i, इसका मीनिंग an plus a नॉट a की पावर है, ये सेम है आपका। मतलब आप ढंग से देखोगे, आप इसमें सारे वेरिएबल इंटरचेंज कर दो, a नॉट को an, an को a1, तो इसका मतलब ये जो ऊपर का ये जो पार्ट है आपका, ये सारा पार्ट दोबारा ये p ऑफ a बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा p ऑफ a, इसका मीनिंग ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। इसका मतलब 1/a भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये थोड़ा लिख के देखना, p ऑफ a जीरो किया तो इधर a की पावर n an माइनस 1 अप टू सो ऑन। ये अगर रेसिप्रोकल पॉलीनोमियल है तो x को 1/x से रिप्लेस करोगे ना तो उसका भी रूट क्या होगा, 1/a होगा। अब थोड़ा सोचो, p ऑफ a को जीरो करने पे ये आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसमें वेरिएबल इंटरचेंज कर दिए, अरे यार a नॉट an इक्वल, इसका मतलब a की जगह 1/a रखोगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही पॉलीनोमियल होगा, और a की जगह 1/a लेने पे वही आ गया ना, an a, an a की पावर n प्लस an माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, तो a अगर इसका रूट है तो 1/a भी 100% इसका क्या होगा, एक रूट होगा, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। चलो हां, उसके बाद देखो नेक्स्ट पैसेज सेकंड क्या है, f b फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब 0 1 2 3 आपका n है, टेक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, मतलब जो इनपुट है वो आपका 0 1 2 3 4 का लेना है, और आपको एक फंक्शन डिफाइन है, f of 0 0 है, f of 1 1 है, और f of n आपका दिस पार्ट है, कब, जब n आपका 2 और 2 से ग्रेटर है। कुछ नहीं, इसका मीनिंग क्या है कि n को 2 लेने पे आ जाएगा f of 0 plus f of 1, मतलब f of कोई भी जो टर्म है वो आपकी प्रीसीडिंग टू टर्म का समेशन है। अरे यार n को 2 पुट करने पे क्या आ गया, f of 2 equal to f of 1 plus f of 0, 3 पुट करने पे f of 1 plus f of 2, तो उसका मीनिंग क्या है, f of 0 0 है, f of 1 आपका 1 है, तो f of 2 क्या आएगा, 0 plus 1 is 1, f of 3 क्या होगा, f of 1 plus f of 2 तो 2 आ गया, f of 4 क्या होगा, 2 और 1 3, f of 5 क्या होगा, इससे जस्ट प्रीवियस टू टर्म का सम तो 5 हो जाएगा, f of 6 आपका 5 और 3 8, ये सीक्वेंस ऐसे चलती रहेगी। तो देखो अब अपन ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं, n greater than 2 के लिए f of n plus 1 equal to f1, गलत है, तो 2 लेने पे f of 2 equal to f of 3, कहां है f of 2 f of 3 की equality, तो नहीं equality, पहला ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, 2 से greater में always fix है, 2 पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब value हमेशा बढ़ेगी, तो f of n plus 1 is greater than f of n, तो then इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो आया ना, तो ये तो ऐसे करना है। फिर उसके बाद इसी का अगला पार्ट क्या है, f of n is f of n, तो बताओ n क्या होगा, मतलब f of n की वैल्यू अगर f of n की इक्वल है तो बताओ n की कौन कौन सी वैल्यू के लिए हो सकता है, तो देखो अब इसमें से देख लो आप लेके, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए, तो देखो इसमें एक ही वैल्यू है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे n को आप 3 पुट करके दिखाता हूं, n को 3 पुट करने पे क्या आएगा, f of 3, f of 3 कितना है 2, और इधर f of 3 कितना है 2, और f of 2 कितना है 1 बराबर 2, तो गलत आ गया, इसमें एक ही ऑप्शन है, n को 5 पुट करो, n को 5 लेने पे क्या आएगा, f of 5 equal to f of 5,
f of 5 की वैल्यू कितनी है 5 है ना, तो क्या गया f of 5 equal to f of 5। अरे सिंपल सी बात है, ये इसके इक्वल आना है तो कब होगा जब f of 5 equal to 5, मतलब इसको x सेलेक्ट करते तो ये भी x आना चाहिए, तो f of n equal to x तो 5 पे 5 आ रहा बस, ठीक है ना। तो देन आपको n equal to क्या फिल करना है 5, ये n equal to 5 पे ये फंक्शनल जो इक्वेशन है ये आपकी वेरीफाई हो सकती है, बाकी कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, चलो ये बात हुई सेक्शन ए की। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, ये उसके मार्क्स है वो देख लेना आप कि प्लस 4 देने प्लस 3 अप टू 16, ठीक है। चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 1 विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, मतलब बी नॉट इक्वल टू बने और ए और सी आपके इंटीग्रल कोफिशिएंट है, ठीक है। और क्या है, डेल्टा आपका पॉजिटिव है, डेल्टा मतलब इस क्वार्टिक का डिस्क्रिमिनेंट है, लिख देते हैं डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4 एसी कर दे, इसका मतलब बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट। देन द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट इज, बताओ इस सेकेंड क्वार्टिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, टू इंटीग्रल रूट्स, टू रेशनल रूट्स, टू इरेशनल रूट्स एंड वन इंटीजर एंड वन इंडिपेंडेंट, वन इंटीग्रल रूट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी, मतलब एक तो आपको देखना है कि जो रूट्स है वो आपके इंटीजर होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, और अगर वन रूट अगर उसका क्या इंटीजर है तो बताओ वो एबीसी से इंडिपेंडेंट होगा या नहीं। तो देखो अपन सिंपल इस क्वार्टिक के रूट फाइंड करते हैं, किससे करें बताओ, मैं चाहता हूं कि क्वार्टिक फॉर्मूले से कर सकते हो, उससे जल्दी आंसर जाएगा। आप क्वार्टिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर सकते हो। चलो एक बार क्वार्टिक फॉर्मूले से देते हैं, एक्स इक्वल टू डेल्टा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर और दिस इज माइनस के 4 ए सी अपॉन 2 ए, तो 2 बी स्क्वायर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार सेकंड मेथड बाद में देखना, इक्वल टू डेल्टा का मीनिंग क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी लिख देते बाद में तो पुट करोगे। इसमें देखो इधर लोगे डेल्टा का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो देखो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 16 ए बी सॉरी 16 ए बी स्क्वायर सी और अपॉन में तो कितना है 2 बी स्क्वायर, गुणा आगे कर देते तो क्या आ गया x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो सीधे लिखा जाएगा इससे तो मिलेगा b की पावर 4, उसके बाद ये होगा माइनस 8 बी स्क्वायर ए सी और ये प्लस के 16 है तो प्लस के 8 ए बी स्क्वायर सी और बेटा ये आ गया 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो प्लस 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर। तो जब आप इस रूट के अंदर वाले पार्ट को देखोगे ढंग से तो पता है किसका फॉर्मूला है, ये बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी का होल स्क्वायर, देख लो करके आप और स्क्वायर से रूट हटाओगे तो सीधा क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी अपॉन 2 बी स्क्वायर। तो देखो ढंग से जब आप टेकिंग प्लस लेके काम करोगे तो टेकिंग प्लस पे तो 4 ए सी से 4 ए सी कैंसिल, तो 2 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया, एक रूट तो इसका इंटीजर है और वो एबीसी से इंडिपेंडेंट है, तो एक तो फोर्थ ऑप्शन टिक करना है। और जब टेकिंग माइनस की बात करोगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस लोगे तो बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या जाएगा माइनस 4 एसी अपॉन माइनस 4 एसी अपॉन 2 बी स्क्वायर सॉरी 8 हो जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस 4 एसी अपॉन बी स्क्वायर, ये सेकंड रूट आपका जैसा आ गया। अब b क्वेश्चन में बोल रहा है नॉट इक्वल टू 1, तो b अगर आपका नॉट इक्वल टू 1 है तो ये रेशनल रूट होगा। अब इंटीजर हो सकता है बट
रेशनली बोलोगे आप, क्योंकि ये ऑलवेज इंटीजर ऐसा नेसेसरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो देन बी नॉट इक्वल टू वन, इसमें तो एक रूट तो आ गया इंटीजर, और सेकेंड रूट क्या होगा इसका रेशन, ये रेशन रूट नहीं होगा। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा। टू इंटीगल रूट्स, टू रेशनल रूट्स, वन इंटीगल रूट्स इंडिपेंडेंट। तो आपको इसका फोर्थ ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन फिल करना है। टू इंटीगल रूट्स ये ऑल पॉसिबिलिटीज में नहीं होगा, बात समझे मेरी। तो इसका सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। अब मैं सेकेंड मेथड जो बोल रहा था ना उसमें भी वही लफड़ा होगा। देखो सेकेंड मेथड में क्या करो, इसके रूट लिख दो आप सेकेंड इक्वेशन के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स, सीधा जाएगा डेल्टा अपॉन बी स्क्वायर, पर वो गुणा भाग हो जाएंगे, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस फोर ए सी अपॉन बी स्क्वायर। डेल्टा का मीनिंग क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो ढंग से, जब आप इसको बी स्क्वायर से सेपरेट डिवाइड कर दोगे वन माइनस फोर ए सी अपॉन बी स्क्वायर, और माइनस फोर ए सी अपॉन बी स्क्वायर लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, हाँ है ना। तो जब आप इसको एक तरफ लेके आओगे तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। फर्स्ट और थर्ड में अल्फा कॉमन ले लो, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ तरफ कर दो आप, तो फर्स्ट और फोर्थ को एक तरफ करो तो क्या आ गया अल्फा माइनस वन प्लस इसमें बीटा कॉमन ले लो, ये सीधा माइनस बीटा कॉमन ले लो, तो बीटा माइनस वन आ गया। तो देन एक अल्फा इक्वल टू वन आ गया, बीटा इक्वल टू बी वन आ गया, मतलब दोनों रूट वन वन है। तो दोनों रूट वन वन ले नहीं सकते क्योंकि इसका डी जीरो नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपने लिख तो दिया अल्फा बीटा, तो दोनों रूट सेम नहीं हो सकते इस केस में, कोई डाउट किसी को। तो आप इस टाइप से ट्राई कर सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा। अल्फा और बीटा दोनों को वन वन लोगे आप तो सीधा जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के फोर ए सी, उसमें अल्फा बीटा को वन वन लोगे तो क्या जाएगा डेल्टा इक्वल टू टू बी स्क्वायर, हाँ है ना। और डेल्टा का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी जीरो आ रहा है, बट अपन को तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को भी पॉजिटिव लाना है, ठीक है। तो वेट ऑप्शन हुई कि आप उसी मेथड से करो, उसमें गलती नहीं होगी। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन स्पार्ट लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ ओरिजिन। मतलब इसका एक रूट तो पॉजिटिव है, दूसरा रूट नेगेटिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट अपोजिट साइन के, इसका मतलब या तो डायग्राम ऐसा होगा, और अगर ए नेगेटिव तो ऐसा होगा, इसका मीनिंग एफ ऑफ जीरो नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव, ए नेगेटिव एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो पता होना चाहिए कि बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, तो कंडीशन क्या होगी, ए एफ ऑफ जीरो आपका नेगेटिव, ए का मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव, तो इसके फैक्टर कर दो सीधे, ए माइनस टू इंटू ए माइनस थ्री, सॉरी ए माइनस पांच ए, ए माइनस वन इंटू ए माइनस फाइव आएगा, और एफ ऑफ जीरो करने पे क्या होगा, ये तो दोनों जीरो में, तो सिक्स ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एट, कुछ नहीं है, पहले हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव बनाना, तो साइन चेंज होगा आपका, तो क्या आ जाएगा ए माइनस वन ए माइनस फाइव ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट ग्रेटर देन जीरो, इसके फैक्टर होंगे ए माइनस टू ए माइनस फोर, ध्यान रखना ए माइनस टू ए माइनस फोर करोगे तो वन पे जीरो, टू पे जीरो, फोर पे जीरो और फाइव पे, सब पे पावर ऑड है, कौन सा पार्ट पॉजिटिव पार्ट, इसके अकॉर्डिंग तो ये आ गया। और एक कंडीशन हो लगाओगे जो क्वेश्चन उसमें रूट आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दोनों का जो कॉमन लोगे तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब उससे जो आंसर होगा ना उसमें सारे ऑप्शन है चारों, मतलब जो लिखोगे आंसर तो वो यही आंसर होगा, जीरो से वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, टू से फोर और फाइव से इन्फिनिटी, ठीक है। तो देन इसके ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट, बस गुणा भाग आप कर देना सब। चलो
उसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r इक्वल टू 0 इज ए शर्ड दिस पार्ट, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इस शर्ड की फॉर्मेट में गिवन है, तो बताओ इसका अदर रूट क्या हो सकता है, मतलब और कौन सा रूट हो सकता है इस फॉर्मेट में। तो देखो ये इसका रूट है लेटर पर, सिंपल इक्वेशन तो लिख सकते रूट ए अपॉन तो एक रूट तो क्या ले सकते हैं इसका कॉन्जुगेट, तो आप प्लस की जगह माइनस ले सकते हो ना, ये आपको पता होगा कि इररेशनल रूट आर इन ऑलवेज कॉन्जुगेट फॉर्म। आप क्या करो इसका कर दो रेशनलाइजेशन, तो क्या करें रूट ए माइनस ए माइनस बी का रूट अपॉन रूट ए माइनस रूट ऑफ ए माइनस बी से इसको कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो इसको करने से क्या जाएगा, ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सीधा आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सही है ना, तो ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ये अपॉन में तो आ गया बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी तो भी आ गया, और ऊपर मल्टीप्लाई क्या आएगा ए रूट ए इंटू रूट ए माइनस रूट ऑफ ए इंटू ए माइनस बी, हाँ है ना। तो इसका कॉन्जुगेट करोगे तो माइनस वाला है क्या कोई ऑप्शन, ए माइनस रूट ऑफ ए माइनस रूट बी, तो ये तो ऑप्शन दे नहीं रखा तो कोई बात नहीं ये सही है। उसके बाद जब ये इसका रूट है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस वाला, और जब माइनस वाला लोगे तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, और इसका जब रेशनलाइजेशन करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो देन इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यही करना है इसमें कि ये इसकी शर्ड है, इस वन रूट के शर्ड की फॉर्मेट में है, तो इसका कॉन्जुगेट रूट लिख सकते हैं माइनस वाला पार्ट, और माइनस वाला पार्ट लिखोगे आप तो ये जाएगा, और आप बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप इस प्लस वाले का ही करो रेशनलाइजेशन। तो प्लस वाले का जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो अल्फा क्या आ रहा था, देखो ए माइनस रूट ऑफ ए इंटू ए माइनस बी अपॉन बी, आपको लगेगा सर सब पे रूट आ रहा है तो माइनस इधर लगाया तो इधर भी लगाओ, तो देखो इसको पहले ये लिखो अल्फा को मीनिंग ये, तो केवल इसी पे रूट है ना, तो ये कौन सी फॉर्मेट है ए अपॉन बी को तो पी मान लो उसको क्यू, तो p माइनस रूट क्यू की फॉर्मेट है, तो इसका सेकंड रूट क्या होगा बीटा इक्वल टू सीधा a प्लस रूट ऑफ दिस पार्ट अपॉन b, और जब इसका क्या करोगे आप रेशनलाइजेशन तो देन ये फर्स्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा मत बोलो कि इसे माइनस लो, आप क्या करो उसको पहले अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्मेट में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, तो अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो एक रूट तो आ गया, तो पहले तो मिलेगा थर्ड ऑप्शन, आफ्टर दैट जब थर्ड का क्या करोगे अगेन रेशनलाइजेशन तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या देखो, अब ये फोर्थ क्वेश्चन तो सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, tan t by 2 इसका एक रूट है, तो काम करो आप sin t cos t में tan का हाफ एंगल लगा दो तो क्या लिख सकते हैं, और साथ ही sin t का फॉर्मूला 2 tan t by 2 upon 1 minus tan square t by 2, तो आप एक काम करना tan t by 2 को सीधा P लेट कर देना, तो क्या जाएगा ये 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, और सीधा tan x / 2 की वैल्यू 4 बटे 3 3 ये एलसीएम उधर चला गया तो क्या आ गया 6p प्लस 3 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4p स्क्वायर, यस सर सॉरी 3 इसके साथ भी आएगा, तो क्या आ गया 7p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1 इक्वल टू 0, ये tan x / 2 की वैल्यू, और अब आप देखो जो tan x / 2 की वैल्यू उससे निकलेगी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से, तो इसके रूट्स आ रहे हैं इररेशनल, रूट के अंदर कुछ आने वाला है और इररेशनल रूट है, मतलब इससे जो tan x / 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इररेशनल वैल्यू होगी IR, और अगर ये इररेशनल वैल्यू है और ये इसका रूट है और ABC आपके इररेशनल है तो इररेशनल रूट आर इन ऑलवेज कंजुगेट फॉर्म, इसका मतलब दोनों रूटीज के क्या होंगे सेम होंगे, बहुत रूट्स आर आइडेंटिकल, सिंपल सी बात ये, इससे tan x / 2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो दो वैल्यू होंगी और बहुत वैल्यू आर इररेशनल, तो चलो आप tan x / 2 की कोई भी एक वैल्यू इसके लिए मान लेते हैं कि tan x / 2 उसका एक रूट है, कोई भी एक वैल्यू लिख लो, एक वैल्यू लेट करोगे और वो कौन सी फॉर्मेट में है
इरेशनल फॉर्मेट में, अल्फा प्लस रूट बीटा। और बी और सी आपके क्या है, बी और सी आपके रेशनल, बी और सी लिखना चाहिए इसको, इसको ए और बी लिखना चाहिए कि ए और बी अगर आपके रेशनल है तो इरेशनल रूट आर इन ऑलवेज कॉन्जुगेट फॉर्म। इसका मीनिंग इसके दोनों रूट सेम होंगे, इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बोथ आर आइडेंटिकल। तो सीधा ए अपॉन सेवन इक्वल टू बी अपॉन माइनस सिक्स इक्वल टू सी अपॉन वन। तो क्या आ गया इससे, ए तो आ गया, सॉरी सी तो वन है इसमें, ए तो आ गया सेवन, बी आ गया माइनस सिक्स, तो एड करने पे तो वन आ गया, चौदह माइनस छह तो एक, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन फाइव में क्या करना है, इस सिग्मा को सोल्व करना है तो सिंपल है, आप खुद करना। देखो इसको कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ी देर थीटा मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया, सिग्मा आर इक्वल टू वन से फोर साइन की पावर फोर थीटा। तो सिग्मा हटाने के लिए पहले पावर फोर को हटाओ, तो क्या लिख सकते हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू का स्क्वायर, हाँ है ना। तो देखो क्या आ गया, वन बाई फोर तो बाहर आ गया, सिग्मा स्क्वायरिंग ओपन टू क्या आएगा, वन माइनस टू कोस टू थीटा, फिर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से इसको हटाने के लिए क्या लिखोगे, वन प्लस कोस। अब आप बोलोगे क्या करना जी, क्या चाहते हो आप, इसके बाद कुछ नहीं करना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समेशन की सीरीज सॉल्व करनी है और उस पर साइन की पावर हो या कोस की पावर हो कुछ भी हो, तो पहले पावर को वन लेके आओ, क्योंकि जब ये पावर को वन बना दोगे ना तो उसके बाद जो साइन की साइन और कोसाइन सीरीज पढ़ी अपन ने, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा, उनके सीधे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, और यही कोस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको लिखने से क्या गया, सीधा इक्वल टू वन एंड वन बाई टू थ्री बाई टू, तो क्या गया वन बाई फोर, सिग्मा देखना ढंग से थ्री बाई टू माइनस टू कोस टू थीटा प्लस कोस फोर थीटा बाई टू, ठीक। जब आप सब पे सेपरेट सिग्मा लोगे, सिग्मा की वैल्यू क्या वन से फोर, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका सिग्मा चार बार लोगे तो चार बार जुड़ जाएगा तीन बटे चार, तो बारह बटे दो छह आ गया, तो क्या आ गया वन बाई फोर माइनस टू सिग्मा, इस पे सिग्मा लगाओगे तो क्या जाएगा कोस। अब एक काम करो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे आप कितनी, टू आर माइनस वन बाई ए, तो टू थीटा कितना जाएगा टू आर माइनस वन बाई फोर आ गया, कोई बात नहीं लिख देते हैं टू आर माइनस वन बाई फोर, और प्लस इसमें पुट करोगे तो देखो इस बार ये फोर थीटा है, तो फोर थीटा करोगे तो फोर थीटा के रेस्पेक्ट में बाई टू हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कोस टू आर माइनस वन बाई टू इंटू पाई, तो लगाने लगाना आपको, हाँ है ना। तो ढंग से देखो ये ऑड मल्टीपल है पाई बाई टू का, और कोस की वैल्यू ऑड मल्टीपल पे क्या होगी जीरो, तो ये तो चला गया सीधा जीरो में, तो क्या जाएगा इसका आंसर देखो वन बाई सिक्स बार वन बाई फोर बार सिक्स माइनस टू, इसमें सिग्मा ओपन करो तो देखो सिग्मा की वैल्यू आर इक्वल टू वन से फोर, आर को वन लेने पे आ जाएगा पाई बाई फोर, कोस पाई बाई फोर आएगा कोस पाई बाई फोर, टू लेने पे कोस थ्री पाई बाई फोर इधर होगा, थ्री लेने पे छह पांच और चार लेने पे सात, इधर कोस की वैल्यू पॉजिटिव इधर नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो दोबारा क्या बन जाएगा जीरो, तो केवल क्या जाएगा छह बटे चार तीन बटे दो आंसर होगा इसका, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। और ये आने के बाद देखो जब ये कार्यक्रम आप इस क्वेश्चन में भी करोगे ना तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, क्यों, क्योंकि टू आर माइनस वन है, इसको दोबारा पूरे को थीटा मानो तो कोस की पावर फोर थीटा के फॉर्मूले में क्या होगा, बस माइनस की जगह प्लस आ जाता है, हाँ है ना, तो फिर सेम ही प्रोसीजर बनेगा, तो सेम आंसर आएगा उस केस में, ठीक है। तो देन इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो। हाँ, उसके बाद देखो सिक्स क्वेश्चन, अब फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, कुछ नहीं है सिंपल है, देखो फर्स्ट तो क्या है, सिग्नम का मतलब होता है मोड एक्स अपॉन एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का मोड अपॉन ई की पावर एक्स, देखो ई की पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा तो बना गया ना, अरे हाँ है ना, ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड आपका सीधा प्लस के साथ ओपन होगा, तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स इज वन,
और एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ए पीरियडिक फंक्शन, क्या होगा ऑलवेज ए पीरियडिक फंक्शन होगा बट नो फंडामेंटल पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। बट अभी तो क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिक, तो इसका आंसर सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड तो सिंपल है, इसका सीधा आप एलसीएम ले लो, तो देखो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 8 माइनस 8 कोस एक्स और 8 माइनस 8 प्लस 8 कोस एक्स, तो कट गया 8 कोस एक्स, तो क्या आएगा 16 अपॉन दोनों का एलसीएम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा 4 अपॉन मोड साइन एक्स, तो मोड साइन एक्स भी कैसा फंक्शन है पीरियडिक, जिसका पीरियड क्या होगा टी इक्वल टू पाई, तो ये भी पीरियडिक आ गया। इसकी बात करो देखो इसको भी कैसे करना है, fx इक्वल टू, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा स्टेप x को क्या लिख सकते हैं, जब भी सुनो क्वेश्चन में आपका स्टेप हो और उसको चेक करना है पीरियडिक फंक्शन, तो उसको क्या करो पहले फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड है वो 1 होता है, उसको यूज कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल पार्ट आपका एक पीरियडिक फंक्शन है, तो x + 1 / 2 का स्टेप क्या लिखोगे, x - फ्रैक्शनल ऑफ x, तो x ऐसे ही अगले की बात में क्या होगा, x की जगह x माइनस हाफ ले लो और क्या, और प्लस 2 को तो बाहर, स्टेप माइनस x का मतलब माइनस x माइनस, देखो ये आने के बाद क्या होगा, माइनस हाफ से प्लस हाफ चला गया, प्लस 2x से माइनस के 2x चला गया, तो देखो सारा पार्ट आपका फ्रैक्शनल के अंदर आ रहा है, क्या रहा सारा का सारा पार्ट फ्रैक्शनल के अंदर है, तीनों में माइनस है बाहर ले लो कौन कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, x माइनस 1 बाई 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस कॉमन ले लिया कोई नहीं, और प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियडिक फंक्शन है, तो ये भी कैसा होगा पीरियडिक, बट इसकी पीरियडिसिटी की बात करोगे आप इसमें क्या कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है बेटा बेसिकली, क्योंकि आप क्या बोलोगे इसका पीरियड 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो एलसीएम बना गया, तो जनरली बच्चे इसका फंडामेंटल पीरियड कह लेते हैं 1, बट वो आंसर गलत होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, इसमें क्या होगा 1 की जगह जब आप एक्स को अगर आप एक्स प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस करोगे ना, तो ये फंक्शन आपका सेम आ जाता है, ठीक है, तो उसका पीरियड देखना 1 बाई 2 आएगा, 1 नहीं होगा, ठीक है, चलो तो उसके ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, इसमें मैक्सिमिनी वैल्यू पीरियडिसिटी और ये थर्ड ऑप्शन वेरीफाई करना है। देखो पहले बात करते हैं पीरियडिसिटी की, साइन स्क्वायर पाई एक्स, तो साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होगा पाई, और कोफिशियंट पाई है, तो इसका पीरियड बनोगा, इसका भी बनोगा, और x माइनस स्टेप x, देखो आ रहा ना ये x माइनस स्टेप x, ये क्या फ्रैक्शन, अरे इसको ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर साइन स्क्वायर पाई x प्लस साइन की पावर 4 पाई x प्लस x माइनस स्टेप x इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो इसका पीरियड 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका मतलब ये पीरियडिक हो गया, जिसका पीरियड क्या आ गया 1, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन के लिए क्या करना है, देखो अगर कोई फंक्शन पीरियडिक है तो आप लिख सकते हैं ना एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ऐसे ऐसे चलोगे तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस 20, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 20 लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद इसमें काम करो एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स माइनस 10, तो एक्स की जगह जब एक्स माइनस 10 लोगे तो क्या गया एफ ऑफ एक्स माइनस 10 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 10, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, और लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इज 1, तो सिंपल है, तो देखो जब आपको पता चल गया कि फंक्शन पीरियडिक है तो इसका मतलब ये 1 के बाद वैल्यू रिपीट करेगा, तो सिंपल सी बात है, देखो ये तो 2 था ना, स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर, 4 की वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी ऑलवेज 0 से ग्रेटर, तो देखो आप x को 0 लेने पे फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगा, साइन 4 साइन स्क्वायर भी 0 होगा, तो 2 की पावर 0 क्या आ गया, मतलब 0 पे वैल्यू 1 देगा, उसके बाद वैल्यू क्या होगी इसकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये 2 की पावर एक कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ है ना, तो देन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। चलो तो
इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या है? हाँ देखो, इसमें 1-1 2-1 की बात की गई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसको उल्टा करके दिखाते हैं। फोर्थ पार्ट में तो सिंपल है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। सिंपल है ना, इधर 3 एलिमेंट है, इधर आपके 2 एलिमेंट है, तो 1 के लिए 2 ऑप्शन है, 2 के लिए भी 2 ऑप्शन है, 3 के लिए भी 2 ऑप्शन, तो टोटल, अरे टोटल फंक्शन क्या होते हैं, एम एन, तो 3 × 2, सॉरी टोटल फंक्शन क्या होंगे, ये अगर एन है तो एन की पावर है, तो 2 की पावर 3, 8 आंसर। ये तो ऑप्शन सही है ना, कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज 8, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ के बाद चलो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें देखो गड़बड़ी क्या होगी, क्वेश्चन ने बोला गया कि फंक्शन की जो मैपिंग है वो 1-1 बोली गई है, ये फंक्शन है आपका 1-1 है, तो ये फंक्शन अगर 1-1 है तो बताओ क्या ये ऑन टू होगा क्या? तो देखो 1-2-3-4-5 1-1 मैपिंग है, तो एक काम करो 1 की 1 से, अरे यार ये A2 A में डिफाइन है, तो इधर इधर सब कुछ सेम होगा, तो अब आपको लग रहा है सर ये ऑन टू तो आ गया। ये ओनली बेटा उसी केस में पॉसिबल है जब सेट ए आपका फाइनाइट सेट है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर इस क्वेश्चन में कर दे कि एफ इज 1-1 मैपिंग फ्रॉम फाइनाइट सेट ए टू ए, फाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड, तो फिर ये 100% 1-1 और 1-2 होगा। अब इसमें अगर ये इनफाइनाइट सेट हो, इसको ऐसे आगे चलने दो, इधर भी चलने दो, हो सकता है आपने इधर बना दी, 1-1 दिख रहा है, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो सबकी बना दो 1-1, या जितने भी एलिमेंट है, तो अगर इनफाइनाइट सेट है तो लग तो ऐसा रहा है कि दोनों सेट आपके इक्वल है, बट ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आपने माना 1000 एलिमेंट लिए, इसमें 1001 ले लिया, अब ऐसे बोल नहीं सकता मैं, तो हो सकता है कि कोई भी आपका ब्लैंक रह जाए, मतलब इधर तो सबको फिल कर दिया, बट अरे यार इनफाइनाइट है तो ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, लेकिन अपन लास्ट में कुछ बोल नहीं सकते कि मैपिंग होगी कि नहीं होगी। तो ये केवल फाइनाइट केस में पॉसिबल होगा। अगर सेट आपका इनफाइनाइट है और फंक्शन 1-1 है तो उसको ऑन टू नहीं बोल सकते, और यही सेकंड ऑप्शन है कि अगर 1-1 ऑन टू है तो 1-1 होगा, तो ये भी आपका गलत होगा, ठीक है ना? क्योंकि तो अगर ऑन टू है तो इस बार कम मान लेना, इधर ज्यादा मान लेना, दिक्कत क्या रही है, इनफाइनाइट है तो ये लो बना दिया मैंने ऑन टू सबका, लेकिन इधर मैंने 1-2 छोड़ दिया, इधर छोड़ दो 1-2, तो मैनी वन हो गया ना भाई, इन सबको यूज करना है इसके लिए, तो ये ज्यादा मानो आप, थोड़ा दिक्कत क्या है, क्योंकि इनफाइनिट है तो 2 की मैपिंग सेम कर दो तो ऑन टू तो आ गया, बट ये 1-1 नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को फिल नहीं करना, ये ऑलवेज टू नहीं होंगे, ये टू केवल कब होंगे जब फंक्शन आपका, सॉरी सेट ये आपका क्या होगा बेटा, फाइनाइट, ठीक है। चले फिर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड तो सिंपल हो गया होगा, एफ और जी टू फंक्शन है, वो आर टू आर से डिफाइन है, तो बताओ जी ऑफ एफ एक्स इंजेक्टिव का मतलब 1-1 है, तो आप इसकी मैपिंग बना के देख सकते हो, ये लो पहले अंदर वाला फंक्शन लेते हैं, फिर बाहर वाला फंक्शन, ए बी सी डी ई 1-2-3-4-5 पी क्यू आर एच टी, तो जी ऑफ एफ एक्स अगर आपका 1-1 ऑन टू है तो बताओ एफ मस्ट बी इंजेक्टिव, मतलब एफ भी आपका 1-1 ऑन टू होगा। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं, ए का 1 से किया, तो ये फंक्शन दिख रहा है 1-1-2, कौन सा, ए का पी से है, बी का क्यू से है, सी का आर से है, डी का एस से, और ई का टी से, तो फंक्शन 1-1 और 1-2 है, ऐसे समझो। ये करने के बाद देखो अब क्या बोला गया कि जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव, तो एफ मस्ट बी इंजेक्टिव, तो एफ अभी तो दिख रहा है कि एफ इज इंजेक्टिव, अगर इसको थोड़ा ऐसे करें अपन समझाएंगे तो करना मेरे को, जैसे लेट इधर मैंने 6 एलिमेंट मान लेता हूं, इसमें
इसको वन वन ऑन टू, मतलब इसको मैं चाह रहा हूँ कि गलत प्रूव करके बताओ कि एफ को वन वन ऑन टू ना मानो, फिर भी एफ ऑफ जी एक्स आपका वन वन ऑन टू आना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सोचते हैं अपने एक बार। इसे इधर ये ले लिया मैंने, तो फिर इसका तो करना पड़ेगा अपन को, तो चलो अपन इसका इससे कर देते हैं, क्योंकि इधर कुछ लोगे तो फिर उसका उससे करोगे, जब भी तो वन वन ऑन टू होगा ना, तो इधर एक ज्यादा ले लिया, तो इधर अगर ज्यादा लोगे आप तो क्या हो सकते हैं बताओ, इसमें एक एलिमेंट मैंने ज्यादा ले लिया, तो ए के रेस्पेक्ट में पी आ गया, बी के क्यू और ई के रेस्पेक्ट में टी आ गया, इसका मतलब फंक्शन एफ जी ऑफ एफ एक्स आपका वन वन ऑन टू है, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बार सोचो और बताओ मेरे को आप। हाँ देखो उसमें थोड़ी गड़बड़ी ये कि ये हिंदी गलत लिख दी इसने, इंजेक्टिव का मतलब होगा ओनली वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव को क्या बोलते हैं वन वन फंक्शन, तो वन वन की बात करूँ तो सिंपल सी बात ये कि अगर आपने इधर ए बी सी डी की लिया, इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, इधर ई क्यू आर एस टी, तो ये फंक्शन आपका भी इंजेक्ट एफ जी ऑफ एफ एक्स, इंजेक्टिव का मतलब फंक्शन वन वन, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, और बाइजेक्ट का मतलब वन वन ऑन टू, तेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो ठीक है सिंपल सी बात है कि अगर फंक्शन आपका जी ऑफ एफ एक्स अगर वन वन है तो 100% एफ वन वन होना मस्ट है, क्योंकि एफ जब ये वन वन होगा ना तो 100% जी ऑफ एफ एक्स भी वन वन होगा, जैसे ये तो दिख गया आपको। अब बाई चांस आपने क्या किया, इधर हटाओ उसको सिक्स को, इधर एक एलिमेंट और ले लेते हैं अपन एफ, एफ का भी आपने अगर फाइव से कर दिया, देखो ए का पी से, बी का क्यू से सिंगल है, और ई और एफ दोनों का किससे है क्यू से, इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं होगा, मतलब जी ऑफ एफ एक्स आपका वन वन नहीं है, क्योंकि तो आपने एफ को क्या मान लिया, मेन वन मान लिया, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एफ मस्ट बी वन वन फंक्शन, ठीक है। तो चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डरावना क्वेश्चन है, बट ये हो जाएगा आराम से। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक एफ एक्स फंक्शन का डायग्राम गिवन है, तो देन आपको पूछा गया कि बताओ रेंज ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मोड एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स प्लस वन, मोड एक्स प्लस वन की रेंज। तो देखो सबसे पहले सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात करते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे। आपको अगर वाई इक्वल टू, इसमें डायग्राम का यूज है, आपको वाई इक्वल टू एफ एक्स का डायग्राम गिवन हो और आपको एफ ऑफ मोड एक्स का डायग्राम चाहिए, तो क्या करते हैं कि पहले, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, मोड एक्स ऑलवेज आपका सेम ही दिखा, अरे माइनस में लोगे तो एफ ऑफ वन आ गया, माइनस एम पे भी एफ ऑफ वन आ गया, इसका मतलब जैसा डायग्राम इधर होगा वैसे उधर होगा, और ये देखो आपका एफ ऑफ मोड एक्स एक कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ मोड एक्स के डायग्राम में क्या करोगे, अब नेगेटिव पार्ट को हटा दो, केवल पॉजिटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन लेना है वाई एक्सिस के अबाउट, तो जब पॉजिटिव पार्ट का वाई एक्सिस के अबाउट आप क्या लोगे रिफ्लेक्शन, तो देन तो ये वन है, ये वन टू है, और ये भी आपका, मतलब ये आपका एफ ऑफ मोड एक्स का डायग्राम है, और इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस टू से प्लस टू, तो एफ ऑफ मोड एक्स की डोमेन माइनस टू से टू, ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है एफ ऑफ मोड एक्स प्लस वन की डोमेन क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, जब एफ ऑफ मोड एक्स की डोमेन माइनस टू से टू है तो सिंपल सी बात है ये भी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, माइनस टू से टू के बिटवीन होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, ये पता होगा आपको कि जैसे लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसकी डोमेन आपको गिवन है ए टू बी, क्या कहना है ए टू बी, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा की डोमेन बताओ, तो एक्स प्लस अल्फा का इनपुट भी ए टू बी होना चाहिए, तो क्या करोगे कि मोड एक्स प्लस वन इज ऑल्सो लाइज बिटवीन माइनस टू से टू, बताओ कोई डाउट है किसी को, अरे यार इसका इनपुट, इस मोड एक्स का इनपुट माइनस टू से टू है, मतलब इस एफ का इनपुट माइनस टू से टू है, तो इसका मीनिंग इसका भी जो इनपुट है, इसमें एफ का जो इनपुट है वो क्या आना चाहिए, माइनस टू से टू आना चाहिए, तो लिख देते हैं वन, अगर लोगे तो माइनस थ्री आ गया, इधर वन आ गया,
नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव ऑल वे टू हटा दो तो सीधा क्या गया मोड एक्स लेस देन वन और मोड एक्स की वैल्यू वन से लेस तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन मतलब इसकी भी डोमेन क्या होगी माइनस वन टू वन तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एफ ऑफ मोड एक्स प्लस वन की रेंज क्या होगी तो एफ ऑफ मोड एक्स प्लस वन की रेंज के लिए देखो क्या करोगे माइनस टू टू माइनस वन एंड वन एंड जीरो जीरो पे आपका बनता है ये वैल्यू माइनस टू आपको y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स प्लस वन की रेंज चाहिए। देखो इसकी डोमेन क्या थी माइनस वन से वन तो आप इसी के अकॉर्डिंग देखो जब इसमें x को माइनस वन पुट करोगे आप x को क्या पुट करोगे माइनस वन सीधी बात है एफ ऑफ मोड एक्स भी आपका इवन फंक्शन है तो आप माइनस वन से जीरो पुट करो जीरो से वन सेम ही आउटपुट आएगा तो अपन केवल जीरो से वन की बात कर देते हैं एक्स को जीरो लोगे तो क्या मिलेगा एफ ऑफ वन और वन पुट करने पे क्या मिलेगा एफ ऑफ टू मतलब इसकी जो रेंज है वो एफ ऑफ वन से एफ ऑफ टू होगी। देखो ना एक्स को जीरो पुट करने पे एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है जीरो और टू पे भी कह रहा है जीरो लेकिन इसके बिटवीन x आपका 0 से 1 है तो 0 पे तो 1 आ गया ना तो f of 1 आपका 0 आ रहा है और f of 2 भी क्या आ रहा है 0 ऐसे मत देखो उसको आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो ये जो पार्ट है आपका ये थोड़ा 1 से बड़ा होगा और जब ये 1 से ग्रेटर होगा तो इसका जो आउटपुट है आपका ये सॉरी ये माइनस 1 की लाइन है कंफ्यूज मत होना आप दोबारा समझो इसको रफ डायग्राम को थोड़ा ढंग से कर देते हैं ये से है आपको ये देखना है कि f ऑफ मोड x प्लस 1 की रेंज बतानी है तो देखो ना इसका इनपुट है माइनस 1 से 1 तो f ऑफ मोड x प्लस 1 का इनपुट जो माइनस 1 से 1 है तो चलो अपन इसमें इनपुट पुट करते हैं तो x माइनस 1 से 1 है तो मोड x क्या होगा 0 से 1 तो मोड x की मिनी वैल्यू 0 लोगे तो f ऑफ 1 आ गया ना f ऑफ 1 इसी जगह होगा तो f ऑफ 1 0 आ गया वन पुट करोगे तो एफ ऑफ टू भी जीरो आ गया। उसके बाद जब मोड एक्स को जीरो से वन के बिटवीन कुछ भी पुट करोगे आप बीच में कुछ भी लो आप तो वैल्यू क्या होगी वन से टू के बिटवीन तो वन से टू के बिटवीन आउटपुट क्या होगा ये मतलब मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जीरो इसका मतलब इसकी रेंज होगी माइनस वन से जीरो ठीक है तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है तो ये तो वैसे करोगे आप ठीक है तो एफ ऑफ मोड एक्स के डायग्राम में क्या करोगे एक्स के नेगेटिव पार्ट को नेगलेक्ट करो और बात में क्या ले लो रिफ्लेक्शन तो देन इसकी डोमेन आई माइनस टू से टू तो f ऑफ मोड एक्स की डोमेन अगर माइनस टू से टू है तो f ऑफ मोड एक्स प्लस वन की डोमेन में क्या करोगे मोड एक्स प्लस वन इज लाइज बिटवीन माइनस टू से टू तो ये आ गया और ये आने के बाद आप क्या करो f ऑफ मोड एक्स के डायग्राम के अकॉर्डिंग मोड एक्स प्लस वन की रेंज कैलकुलेट करोगे वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं इसके फर्स्ट ऑप्शन की फर्स्ट ऑप्शन में क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मोड एक्स की डोमेन और रेंज क्या होगी तो कुछ नहीं करना f ऑफ माइनस मोड एक्स के डायग्राम में क्या करो नेगेटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन लेना पॉजिटिव पार्ट को हटा दो तो ये हटाओगे तो इसका रिफ्लेक्शन लोगे आपको देखो क्या आ गया ये ऐसा जाएगा 2 से 3 हाँ है ना तो इसकी रेंज क्या होगी माइनस 2 से प्लस 2 और डोमेन बन जाएगी माइनस 3 से प्लस 3 ठीक है ना तो इसने रेंज पूछी तो रेंज कह जाएगी माइनस टू से टू ठीक है देख अच्छा क्वेश्चन है चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन 10 में तो क्या करना है करें इसको सिंपल है बट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको दो ऑप्शन में तो चाहिए जी ऑफ एफ एक्स और टू ऑप्शन में चाहिए एफ ऑफ जी एक्स तो आपको फॉग और गॉग दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या करें इसमें पहले बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की। तो g ऑफ एफ एक्स के लिए क्या करोगे पहले अपन जब भी g ऑफ एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना लेट लिख देते हैं h x इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स तो क्या करो आप अंदर वाले फंक्शन का बनाओ डायग्राम तो अपन एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं इधर वैसे आप एक कर सकते हो टफ नहीं है क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो जब एफ एक्स के डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो देखो क्या होगा क्योंकि एफ एक्स की जो रेंज है वो जी एक्स में डोमेन की तरह बिहेव करेगी तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को जी ऑफ एफ एक्स को डिफाइन करना है तो लिख देते हैं
तो देखो अपन पहले एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, माइनस फोर से माइनस टू, माइनस टू से टू और टू से फोर, माइनस फोर पे माइनस बना रहा है, माइनस टू पे बना रहा है, मतलब ये डायग्राम तो जाएगा ही, ये माइनस फोर पे क्या देगा माइनस वन, लिख लेते हैं, माइनस थ्री पे जीरो, माइनस टू पे वन देगा, फिर ऊपर माइनस टू से टू में वन की लाइन होगी तो वो ऐसे बनाओगे, ये तो लाइन किसकी थी x प्लस थ्री, ठीक है डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये वन की लाइन है, टू से थ्री में तो टू लेने पे वन आ गया, फोर पे माइनस वन आ गया, बन गया डायग्राम, ये किसकी लाइन है बेटा थ्री माइनस एक्स, और आप सीधा समझ सकते हो ये फिक्स है, आपको g ऑफ एफ एक्स को इवनोट चेक करना है तो h ऑफ माइनस एक्स क्या होगा g ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, ठीक आपको पता होगा ना कि अंदर वाला फंक्शन अगर इवन है तो आंसर हमेशा इवन होगा, ये पता होगा अंदर वाला फंक्शन अगर इवन है तो बाहर चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि अंदर अगर इवन फंक्शन है तो माइनस को बाहर, माइनस तो बाहर आएगा नहीं तो फंक्शन हमेशा इवन ही होगा, तो देखो f ऑफ x का जो डायग्राम है ये एक इवन फंक्शन है, ये डायग्राम सिमेट्रिक माइनस फोर से फोर में ही क्या है डायग्राम आपका सिमेट्रिक है, जैसा उधर है वैसा ही उधर है, तो कैसा फंक्शन है fx, इवन फंक्शन है, तो h ऑफ hx भी आपका इवन फंक्शन है, चलो फोर्थ ऑप्शन तो यही सेट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन के लिए डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मेरे को, तो देखो अब अपन डायग्राम बनाते हैं g ऑफ fx का, तो देखो g ऑफ fx के डायग्राम में क्या करोगे, fx का जो आउटपुट है वो g में डोमेन की तरह काम करेगा, तो g में डोमेन आपको 0 से लेस और 0 से ग्रेटर है, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे जब x माइनस फोर से माइनस थ्री लोगे तो आउटपुट नेगेटिव है, तो इसको अलग केस कर देते हैं कि जब x आपका माइनस फोर से माइनस थ्री है तो इसका आउटपुट नेगेटिव है, तो ये जो fx फंक्शन है वो आपका इस ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा, तो fx की जगह पुट क्या करना है x प्लस थ्री, बट वो ऊपर वाले फंक्शन में पुट करोगे तो क्या जाएगा x प्लस नो, जब x आपका माइनस थ्री से टू लोगे तो इसका आउटपुट क्या है वन, सॉरी जब देखो जब x आपका सॉरी माइनस थ्री से माइनस टू है तो इसका आउटपुट जीरो से वन है, तो जीरो से वन कैसे है पॉजिटिव, तो वो आपका नीचे वाले में जाने वाला है, तो कुछ नहीं करना, तो ये अगर माइनस थ्री से माइनस टू है तो ये जो x प्लस थ्री है इसको कहां पुट करोगे, तो माइनस थ्री से माइनस टू में इस x प्लस थ्री का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है आपका, तो देन आपको इस f को पुट करना नीचे की जगह, तो इसमें x प्लस थ्री पुट करने पे क्या जाएगा 2x प्लस 12, तो ये आ गया 2x प्लस 12। सिमिलरली जब x माइनस टू से टू है तो fx इक्वल टू वन है, तो वन भी आपका पॉजिटिव है, तो सीधा g1, तो वन किस में आएगा नीचे वाले में, तो सीधा 8 आ गया, तो हाँ है ना, तो जब x आपका माइनस टू से टू लोगे तो fx का आउटपुट वन है, तो वन सीधा g1, और g1 की वैल्यू क्या होगी 8, तो इसके अकॉर्डिंग 8 आ गया, उसके बाद 2 से 3 में अगेन पॉजिटिव है, लिखना पड़ेगा दो केस हो रहे हैं, 2 से 3 में अगेन पॉजिटिव, तो 2 से 3 में अगेन पॉजिटिव है, तो 3 माइनस x को पुट करोगे पॉजिटिव फंक्शन में, तो क्या जाएगा 3 और 2 6, 12 माइनस 2x, ये लो, और लास्ट जब x आपका 3 से 4 लोगे तो इसका आउटपुट नेगेटिव है, तो 3 माइनस x को ऊपर वाले फंक्शन में पुट करना है, तो 3 माइनस x लोगे तो क्या जाएगा 9 माइनस x, हाँ है ना, और इसमें देखो जब x को माइनस x पुट करोगे ना तो ये सारा फंक्शन उल्टा होके चेंज हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन सेम आ जाएगा, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है। चलो अब इसकी अपन को एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कि इसका कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करे तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करो जो g ऑफ एफ एक्स की रेंज है वो k के बिटवीन लाई करा दो तो उसका 100% एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी रेंज ये देख लो ना, माइनस फोर से थ्री में रेंज क्या आएगी, माइनस चार लेने पे पांच आ गया और माइनस तीन पे छह आ गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग रेंज क्या होगी पांच से छह, ठीक है, माइनस तीन पे छह आ गया और माइनस दो पे आठ आ गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग रेंज होगी छह से आठ, आठ ऑलरेडी आ रहा है आपका, दो लेने पे चार आठ,
तीन पे दोबारा छह आगे हटाओ और उसके बाद तीन पे ये पांच आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये, अरे ये इवन फंक्शन है तो जैसी रेंज इधर मिलेगी वैसी नीचे मिलेगी, तो इसकी रेंज आ रही है 5 से 8। और आप प्रॉपर डायग्राम बना के भी देखना इसकी रेंज 5 से 8 है, और अगर इसकी रेंज 5 से 8 है तो की अगर 5 से 8 के बिटवीन होगा तो 100% दिस हैज ए सॉल्यूशन, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट होगा। अब आपको अगेन एफ ऑफ जी एक्स को फाइंड आउट करना है, फिर अपन सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। तो देख लो फटाफट, हटा देते इसको दोबारा। एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या करोगे, पहले जी एक्स का डायग्राम बना लो, ये लो जीरो पुट करने पे 6 आ गया और बाद में वैल्यू बढ़ेगी, हटाओ ये माइनस 6 पे जीरो होगा फिर बाद में वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्यों बनेंगे वैल्यू सिंपल। तो देखो ये है माइनस 6, ये जीरो है, तो आपको जी एक्स को इसके अंदर पुट करना है ना, तो जी एक्स का आउटपुट तो प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी आ रहा है, तो एक काम करो ना, देखो ऐसे लिखें जी एक्स का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिनिमम माइनस 4 हो सकता है, तो मिनिमम माइनस 4 आना है जी एक्स, ये डायग्राम आपका जी एक्स का है। अरे जी एक्स का जो आउटपुट है वो एफ में डोमेन की तरह काम करेगा, जी एक्स का आउटपुट एफ की डोमेन, और एफ की डोमेन क्या माइनस 4 से 4, तो जी एक्स का आउटपुट आपका माइनस 4 से 4 आना चाहिए, तो जी एक्स का आउटपुट माइनस 4 कब होगा, तो देखो ना माइनस 6 पे 0 आ रहा है तो माइनस 4 कहीं इधर होगा, तो माइनस 4 लाने के लिए माइनस 10 आना चाहिए, तो माइनस 10 लेने पे माइनस 4 आ जाएगा, और जी एक्स का मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है 4, तो ये 6 आ रहा है ना आपका 0 पे 6 आ रहा है तो 4 के नीचे होगा, मतलब 4 आपका इसके रेस्पेक्ट में होगा, तो 4 आने के लिए माइनस 2 आना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, ये डायग्राम केवल माइनस 10 से माइनस 2 में होगा, और एक्स जब माइनस 10 से माइनस 2 में होगा तो देखो क्या करना है, माइनस 10 से माइनस 6 में वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो एक केस तो ये लिख दो कि जब एक्स आपका माइनस, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, किसका डायग्राम है, एफ ऑफ जी एक्स का, तो एफ ऑफ जी एक्स के डायग्राम में क्या करोगे, एक्स अगर बेटा माइनस 10 से माइनस 6 है तो माइनस 10 से माइनस 6 में ये आउटपुट नेगेटिव है, इसका मतलब ये लाइन किसकी है आपकी, एक्स प्लस 6 की, तो इस एक्स प्लस 6 को माइनस 4 से माइनस 0 के बीच में पुट करना है, इसमें भी आपको 2 केस दोबारा अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस 10 से माइनस 6 में इसका आउटपुट है माइनस 4 से 0, फिर माइनस 4 से 0 में तो दो बार स्प्लिट होगा डायग्राम, तो एक काम करो इधर बीच में माइनस 8 भी आ रहा होगा, तो माइनस 8 के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगी माइनस 2, तो दो केस बनाने पड़ेंगे, माइनस 10 से माइनस 8 में आउटपुट होगा माइनस 2 से माइनस 4, तो देन ये फंक्शन ऊपर वाले में जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 9। उसके बाद अगला है माइनस 2 से 2 आउटपुट आना चाहिए, तो माइनस 2 से 2 कब आ सकता है, जब आप माइनस 2 से 2 भागोगे तो 2 कब आ सकता है आउटपुट, देखना 2 लाने के लिए लोगे माइनस के 4 ही लो, तो जब x आपका माइनस 8 से माइनस 4 है तो x जब माइनस 8 से माइनस 4 लोगे तो इसका आउटपुट क्या होगा माइनस 2 से 2, और आउटपुट अगर माइनस 2 से 2 तो इसके अंदर आएगा, तो इसको पुट करोगे तो सीधा 1 ही आ जाएगा, तो 1 आ गया, और अगेन माइनस 4 से माइनस 2 के बीच का आउटपुट क्या होगा, मेरे को मैक्सिमम 4 तक जाना है, फिर 2 से 4 आउटपुट कब आ सकता है, जब इनपुट लोगे माइनस माइनस 4 से, क्योंकि माइनस 4 पे तो आ गया माइनस 2, भाई माइनस 2 पे तो आ गया 4 और माइनस 4 पे आ जाएगा 2, तो जब x आपका माइनस 4 से माइनस 2 होगा तो देन इसका आउटपुट क्या होगा माइनस 2 से प्लस 2, और माइनस 2 से प्लस 2 आपका किसके अंदर होगा, सॉरी माइनस, जब एक्स आपका क्या होगा माइनस 2 पे तो वैल्यू आ रही है 4 और माइनस 4 पे वैल्यू आ रही है 2, तो 2 से 4 आउटपुट कब मिलेगा, जब आप नीचे वाला फंक्शन लोगे, तो नीचे वाले फंक्शन में ये पुट करोगे तो क्या जाएगा, देखो 3 माइनस
x plus 6 then of minus x minus 3. तो देखो इसकी रेंज क्या हो सकती है, देखो लिख लेते हैं अलग से, माइनस 10 लेने पे माइनस बना रहा है और माइनस 8 लेने पे बना रहा है, मतलब इसके रिगार्डिंग इसकी रेंज मिलेगी माइनस 1 से 1, 1 दोबारा आ गया, इसमें माइनस 4 लोगे तो 1 आ गया और माइनस 2 लोगे तो माइनस 1 आ गया, मतलब इसकी जो रेंज है वो केवल माइनस 1 से 1 होगी और डोमेन क्या होगी माइनस 10 से माइनस के 2 होगी। और थर्ड पार्ट में क्या करना, लेंथ ही क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस टू माइनस, तो देखो सिंपल क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स सीधा देखो माइनस टू माइनस, माइनस टू किधर होगा, माइनस टू माइनस इसके नीचे होगा ना, मतलब आपको सीधा ये वाला फंक्शन लेना है, तो माइनस टू किसमें पुट करने पे क्या जाएगा माइनस के वन, ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो इसके ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट। लिखो जल्दी से, अब बात करते हैं सेक्शन डी की, तो देखो सेक्शन डी में क्या है, y माइनस वन माइनस फोर गिवन है, y वन जीरो से लेस है, y थ्री फाइव से लेते हैं, तो बताओ लीस्ट वैल्यू ऑफ 16a, तो कुछ नहीं है उस y में माइनस वन पुट करोगे तो क्या जाएगा माइनस a, सॉरी a माइनस b प्लस c ग्रेटर देन माइनस फोर, वन लेने पे a प्लस b प्लस c लेस देन जीरो और थ्री लेने पे 9a प्लस 3b प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आपको a की वैल्यू को करना है कैलकुलेट, तो देखो कैसे करोगे, सिंपल आप सेम साइड इनइक्विटी को ऐड कर सकते हो या सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो एक काम करें इसको कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो सब में ग्रेटर देन आ जाएगा, इसको हटा दो, कर दिया ना मल्टीप्लाई, तो देखो आपको a लाना है तो b और c को एलिमिनेट करना है, देखो ये माइनस बी और ये 3b है ना और ये आपका 2c है, कुछ नहीं करना, ये लो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या किया गया है, f ऑफ माइनस वन माइनस फोर आ गया, f ऑफ वन लेस देन जीरो दिस आ गया, f ऑफ थ्री आपका दिस आ गया, आपको a चाहिए इसका मतलब b और c को एलिमिनेट करना है, तो आप इनइक्विटी को कब ऐड कर सकते हो जब सेम साइड हो दोनों की, सेम साइड इनइक्विटी को अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो क्या किया मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की इनइक्विटी का साइन सेम है, तो सीधा ऐड करने पे तो दिक्कत क्या है कि आपका बी और सी भी आने वाले, तो इसको जब माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो देखो माइनस टू बी और माइनस बी माइनस थ्री सी प्लस थ्री सी चला गया, माइनस टू सी और सी एंड सी टू सी से टू सी चला गया, तो क्या रह गया माइनस दो ए और दस ए आठ ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो जीरो है कोई दिक्कत नहीं, पांच एक आ गया ना, तो एट ए ग्रेटर देन वन तो 16a ग्रेटर देन टू होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 16a की टू होगी, ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो हाँ सेकंड क्वेश्चन देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है आपको, नंबर ऑफ इंटीग्रल इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स, कि एफ एक्स की रेंज में कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, तो देखो क्या करना है, कराओ ये जी आई फंक्शन है, तो इस अंदर वाले पार्ट में क्या करो 3x square और 3 से कर दो सेपरेट डिवाइड, तो क्या गया 1 माइनस मोड x अपॉन 1 प्लस x square, मोड x की वैल्यू आपकी 2 और 2 से लेस है, मतलब 0 से 2 है, तो मोड x x square का मतलब भी मोड x है, तो देखो अगर आप इसको थोड़ा ढंग से देखोगे इसकी रेंज देखो आप, इसमें मोड x को 0 लोगे तो ये 0 आ गया, उसके बाद इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या करेगी डिक्रीज करने वाली इंक्रीज करेगी सॉरी, क्योंकि अरे आप एक काम कर सकते हो मोड एक्स से डिवाइड कर दो, तो उसमें आप एएमजीएम अप्लाई कर सकते हो, एएमजीएम क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो, देख लो ना अलग से कर लेते हैं, मोड एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स स्क्वायर, तो मोड एक्स से डिवाइड करने पर जाएगा मोड एक्स प्लस वन अपॉन मोड एक्स, तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, और रेसिप्रोकल तो क्या होगा टू और टू से ग्रेटर, तो वन अपॉन तो ये डिनोमीटर आपका 2 और 2 से ग्रेटर है, तो 1 अपॉन 2 और 2 से ग्रेटर है 1 बाई 2 से लेस होगा, हाँ है ना, मतलब इसकी जो रेंज है मोड x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर की क्या होगी 0 से 1 बाई 2, समझ में आया कि नहीं है, आप 2 पुट करके देखो, हाँ लेकिन अपन को तो रेंज केवल 0 से 2 में चाहिए, तो एक काम करो फिर तो करना ही पड़ेगा पूरा सॉल्व,
ये तो केवल R के लिए वैलिड है कि अगर आपको R में चाहिए तो ये काम कर सकते हो। तो ये काम करें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अपन x पॉजिटिव में ले लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन आपका कैसा है, इवन फंक्शन है। तो x मेरा 0 से 2 होगा तो देखो उसकी रेंज क्या होगी, तो 0 से 2 में fx आ गया x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 0 पे तो 0 आ रहा है, बाद में पता है ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करेगी, ये कम इंक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी हमेशा। कोई नहीं, काम करो उसका एवरेज करके देख लो आप। ये लो एवरेज क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लो एवरेज x आपका x इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या करो, 0 1 और 2 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 तो 0 आ गया, 1 पुट करने पे 1/2 आ गया, और 2 पुट करोगे तो 2/5 आ गया। 2/5 का मतलब 0.4 0.5, तो ठीक है इसकी रेंज 0 से 1/2 ही होगी। और ये अगर 0 से 1/2 है तो देखो, और 0 से 1/2 है इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 से 1/2, और 1 में से इसको माइनस करोगे आप तो देखो 0 माइनस करने पे तो क्या आएगा, 1, और 1/2 करने पे 1/2, मतलब ये जाएगा 1/2 से 1। समझो मेरी बात को, इस अंदर वाले पार्ट की पहले रेंज चेक करनी है, तो मैंने इसको सेपरेट डिवाइड किया, मोड एक्स से सेपरेट डिवाइड किया, और इसकी रेंज क्या मिली, 0 से हाफ। 1 में से जब 0 से हाफ के नंबर को माइनस करोगे आप तो 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, 1 माइनस हाफ 1/2, और 1/2 से 1 का जब आप स्टेप लोगे, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है, तो 1/2 से 1 का जब स्टेप लोगे तो 0 और 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्टेप तो 1 आ गया और 1/2 से 1 के बीच के नंबर का स्टेप 0 आ गया। मतलब इसके केस में तो इसकी दो वैल्यू मिलेंगी, 0 और 1, मतलब फंक्शन ही आपका 0 और 1 हो गया एक तरीके से। तो इसकी रेंज में दो इंटीजर है 0 और 1, इसमें क्या करना है, इसकी तो रेंज निकाल दो आप। तो देखो मॉड एक्स जब 2 से ग्रेटर है तो माइनस मॉड एक्स माइनस 2 से बड़ा, और प्लस 3 करोगे तो क्या आ गया, माइनस मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 1। मतलब ये मॉड एक्स प्लस 3 अगर आपका 1 से लेस है तो टेन इनवर्स करोगे तो माइनस मॉड एक्स प्लस 3 टेन इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 आया ना, और 8 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, पाई से पाई चला गया। हाँ, इधर क्या होगा, टेन इनवर्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 सकती है ना, हाँ है ना। अरे ये भी लिखना है कि जब एक्स आपका 1 से लेस है तो टेन इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 4 से लेस होगी, लेकिन मिनिमम कितनी होगी, माइनस के पाई बाई 4, तो ये माइनस के पाई बाई 2, तो ये आ गया। और जब आप इसको 8 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 आ गया, इधर आ जाएगा 2, तो देन इसके बीच में कितने इंटीजर है, -3 -2 -1 0 1, तो 5 इंटीजर तो ये हैं और 2 इंटीजर ये हैं, तो इसकी रेंज में टोटल 7 इंटीजर्स होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा बीटा इसकी रूट है तो बताओ दिस पार्ट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या करना है इसमें, अभी दोनों ये जो एक्सप्रेशन गिवन है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा पुट करने से डज नॉट चेंज, तो आप इसको इजीली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे मेरी बात को, तो क्या करना चाहिए, ये जाएगा, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे करो कि इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो मैं लिख सकता हूं ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अरे मेथड तो बहुत है लेकिन देखते सिंपल, ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा थे, काम करो उसमें पुट कर दो x को माइनस 1, तो ये तो 1 और 1 2 तो माइनस 1, दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो देखो इसकी हेल्प से क्या बेनिफिट होगा, मैं सीधा 1 प्लस बीटा की वैल्यू रख सकता हूं माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, लेकिन इस पर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सीधा क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, बताओ आया ना, प्लस, और या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर, वो बात बराबर है, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो वैल्यू वो क्या है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या, माइनस 1 का स्क्वायर, हटा दो उसको, चलो ये आने के बाद कुछ नहीं करना, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर,
अब और कुछ सिंपल है क्या ऑप्शन? अल्फा बीटा तो वन है इसमें, और अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस थ्री, ध्यान रखना इसको। तो इसमें ये कर सकते हो कि अल्फा बीटा वन है ना, तो इस वन की जगह आप पुट कर दो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा पुट करोगे तो क्या आ गया, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा कॉमन तो आ गया अल्फा फोर वन प्लस बीटा। सिमिलरली इसमें बीटा फोर वन प्लस अल्फा, बट इससे भी क्या होगा, लेंथ ही होगा। अपन एक काम करते हैं, इसी को आगे सॉल्व कर दो सीधा, ये अल्फा प्लस वन है, ये वन प्लस बीटा है, तो स्क्वायरिंग ओपन करने पे क्या आएगा, अल्फा की पावर फोर, वन लोगे तो अल्फा स्क्वायर आ गया, प्लस टू ए भी करोगे तो टू अल्फा क्यूब आ गया। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, बीटा की पावर फोर बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा क्यूब, इसको आप एक साथ कर देना तो क्या आ गया, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और टू कॉमन टू, कुछ नहीं है देखो, इसको तो लिख देना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो जो इसकी वैल्यू है उसकी स्क्वायरिंग करके यहां रख देना तो ये आ जाएगा। कर लोगे ना सभी, इधर अल्फा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले से भी आप इसको कंप्लीटली अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको। चलो नोट करो, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 16 ए इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो बताओ इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये लिखने के बाद जब आप इन दोनों में एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ गया, अपॉन में a माइनस b इनटू a प्लस b, तो आ गया 1 माइनस साइन की पावर 4 है, और ये इधर आगेगा उधर 2 आ गया ना, और प्लस 2 अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 4 a प्लस 4 अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 8 a। अगेन इन दोनों में एलसीएम लोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आ गया 4 अपॉन में a प्लस b इनटू a माइनस b, तो 1 माइनस साइन की पावर 8 a, प्लस में इसको दोबारा लिखोगे और दोबारा एलसीएम लोगे तो अपॉन में तो क्या जाएगा 8, और नीचे a प्लस b इनटू a माइनस b, तो 1 माइनस साइन की पावर 16 a, और साइन की पावर 16 a की वैल्यू है 1 अपॉन 5, 8 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 5 भाई 4 बाई 5, ये 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 10 आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलो और इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, टेन क्यूब ए प्लस कोट क्यूब ए आपको गिवन है बेटा, तो देन आपको 10 की पावर 4 ए प्लस कोट की पावर 4 ए की वैल्यू निकाल के 40 माइनस करना है। तो इसमें काम करते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, टेन ए को अपन एक्सेलेट कर देते हैं, तो टेन ए को एक्सेलेट करने पे क्वेश्चन क्या बन गया, देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 18, ये सुनो, और ये आने के बाद इसमें यूज करो फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख दो आप सीधा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू और बाद में माइनस 1 इक्वल टू 18, और अगेन क्या करो उसको टी लेट कर दो आप, तो उसको टी लेट करने पे क्या बन गया, टी क्यू माइनस 3t माइनस 18 इक्वल टू 0। देखो इसको t की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है कि, हाँ देखो t इक्वल टू 3 पुट करने पे इसको क्या करता है सेटिस्फाई, 27 माइनस 27, उसके बाद जब t माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो उसके बाद t की वैल्यू होंगी इमेजिनरी, मतलब ओनली t इक्वल टू 3 इसका क्या होगा, रूट होगा, t आपका 3 आ गया, t का मतलब x प्लस 1 अपॉन x आपका 3 आ चुका, ये लो। और ये आने के बाद कुछ नहीं करना, अपने क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस माइनस 40, तो इसको क्या कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस के 42, हाँ है ना, और अब इसकी वैल्यू के लिए कुछ मत करो, सीधी कर दो इसकी स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, तो 7 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 44, तो सही, सॉरी ये 40 है ना, तो 42, तो कितना जाएगा
7 तो इसका आंसर अपन को 7 फिल करना। ठीक है, तो उसमें जो इंटीजर के क्वेश्चन तो सिंपल थे, बट केवल जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो ठीक था बेटा। ठीक है, उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है और वो सिंगल चॉइस के कुछ क्वेश्चन थे वो काफी अच्छे थे, तो उनके एक बार ढंग से पढ़े उनको। चलो बेटा, थैंक यू।